This conference will now be recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, kya haal chaal hai mere bhai? Umeed hai ki dher sare log aise hain jinka business communication aur english ka paper ho gaya hai aur ab wo QM ki taiyariyon mein masroof hain. मैंने तकरीबन जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं असाइनमेंट के उनकी तमाम लेक्चर्स की वीडियो शेयर कर दी है. ठीक है, अब जो कुछ सिर्फ एक ही टॉपिक रहता है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन. आपने पहले इसका तरीकाकार करने का ये है कि सबसे पहले आपने लेक्चर रिवाइज करके बाद में असाइनमेंट करनी. हाँ, जो आपके पास असाइनमेंट है वो उसके अंदर कुछ जो कंपोजिंग प्रॉब्लम आया हुआ है, कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, तो इसलिए ये वीडियो एक दफा जो जो क्वेश्चन मिसिंग है आप अपनी वीडियो फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो अगर आपके बाकी क्वेश्चन हो गए हैं तो. लेकिन लेक्चर रिवाइज करना ज्यादा जरूरी है, कंपल्सरी है. लेक्चर रिवाइज करना कंपल्सरी है एज कंपेयर टू के असाइनमेंट करना. पहले लेक्चर फिर असाइनमेंट. ठीक है, और अगर कोई ये सोचेगा कि पूरा पूरा पेपर असाइनमेंट से कवर हो जाएगा तो पॉसिबल है, लेकिन लेक्चर से पूरा पेपर कवर हो. इसलिए सारे लेक्चर्स को एक दफा देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पेपर ये तकरीबन 28 तक है शायद, या किसी का 29 को भी पेपर है, तो अपने हिसाब से पैनिक या परेशान नहीं होना, तैयारी करते हुए करते जाना और इंशाल्लाह काम हो जाएगा. और बार बार चीजें रिवाइज करना, जो टॉपिक आपको ज्यादा मुश्किल लगता है उसको ज्यादा रिवाइज कर ले. ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं. रिग्रेशन एंड कोरिलेशन ये टॉपिक हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसमें तकरीबन मोर देन 50% क्वेश्चन भी हमारे हुए हैं, फिर भी एक दफा हम साथ साथ इसको करते जाते हैं. ठीक है जनाब, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब. इफ द कोफिशियंट ऑफ डिटरमिनेशन इज पॉजिटिव देन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव मे बी एनी नन ऑफ द अबव. तो जनाब आपको याद होगा ये हमने सवाल डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोफिशियंट ऑफ डिटरमिनेशन तो होता ही पॉजिटिव है, कोफिशियंट ऑफ डिटरमिनेशन तो होता ही पॉजिटिव है, इसलिए जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर टू में है, वो कहता है जनाब इसके रैंक कोरिलेशन फाइंड द रैंक कोरिलेशन. रैंक कोरिलेशन के लिए कोई इतने बड़े टास्क नहीं है. आपको याद होगा मैंने इसका आपको एक और तरीका भी बताया था कि रैंक बनाकर कैलकुलेटर में पुट कर दो तब भी रैंक कोरिलेशन फाइंड हो जाएगा. रैंक बनाकर कैलकुलेटर में पुट कर दो तब भी रैंक कोरिलेशन फाइंड हो जाता है. फार्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है, इसका फार्मूला भी कोई बड़ी टास्क नहीं है, फार्मूला भी सिंपल सा है. तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को जनाब. इसमें हमारे पास एक्स गिवन है और y भी है. जी जनाब, x अगर देखें तो हमारे पास है 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8, और y हमारे पास है जनाब 2 3 5 6 8, 2 3 5 6 8. ओके की बात जनाब. अब हमने सबसे पहले रैंक बनाने हैं, जब भी वो रैंक कोरिलेशन की बात करेगा तो सबसे पहले हम एक्स के रैंक बनाएंगे और वाई के रैंक बनाएंगे, एक्स के और वाई के रैंक बना लेंगे. आपको याद होगा कि हमने रैंक बनाने का तरीका सीखा है कि सबसे
हाँ जी जनाब, वो कनेक्शन में थोड़ा सा मसला आ गया था। अब हमने क्या किया, डी का स्क्वेयर तो जीरो है, तो ये सारा फैक्टर तो जीरो हो गया, ये सारा फैक्टर जीरो हो गया क्योंकि डी स्क्वेयर का सम जीरो है और जीरो के नीचे जो भी डिवाइड करेंगे जीरो है, तो हमारा आंसर वन आ गया। डन, रैंक कोरिलेशन ओके हो गया। वैसे सर तो ये मैंने, ऊपर रिपीट कर दीजिएगा क्वेश्चन, नेट चला गया था। देखो ना, क्वेश्चन ये है कि रैंक कोरिलेशन फाइंड करना था और मैंने आपको एक तरीका और भी बताया था। ये तो क्वेश्चन आसान था ना, इसलिए हमने ये किया। एक तरीका और भी बताया था कि जब भी आपने रैंक कोरिलेशन फाइंड करना हो, रैंक बनाकर फार्मूले में पुट कर दिया करो, कैलकुलेटर में पुट कर दिया करो। और सिंपल जो कोरिलेशन होता है ना, रैंक बनाकर कोरिलेशन फाइंड करना, उसे भी रैंक कोरिलेशन कहते हैं। रैंक बना लो, उसका रैंक कोरिलेशन, उसका कोरिलेशन सिंपल फाइंड कर लो, ये फार्मूला ना भी लगाओ, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो हमने क्या किया था कि आप लोग ये कैलकुलेटर में पुट कर दो, सीधा सीधा रैंक को कैलकुलेटर में पुट कर दो, या फिर ये बात कही थी कि आप लोगों ने सिंपल इस फार्मूला, क्योंकि ये डी जीरो आ रहा था इसलिए ये जल्दी हो गया, कैलकुलेटर में पुट करने से भी पहले हो जाएगा, क्योंकि बात अगला क्वेश्चन। लेकिन ये बात हमेशा ख्याल रखनी है, जब भी आपने कोई असाइनमेंट करनी है, उसके लेक्चर देखने के बाद, उसका लेक्चर देखने के बाद, ठीक होगी बात। अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थ्री। ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है। वो कहते हैं कि जनाब ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है और ये पूरी लाइन क्या शो कर रही है। तो अगर हम देखें, y इज इक्वल टू 1403.57, y इज इक्वल टू, वन फोर जीरो थ्री पॉइंट फाइव सेवन माइनस 3.14x। कहता है ये नेगेटिव साइन शो क्या कर रहा है, ये लाइन क्या शो कर रही है। इसका दो मतलब है, पेपर में दोनों में से जो एक मतलब बताया होगा वो हमारा ठीक होगा। इसका मतलब है इंक्रीज इन एवरी यूनिट ऑफ एक्स, एवरी या वो वन भी कह सकता है, एवरी या वो वन भी कह सकता है, एवरी यूनिट ऑफ एक्स थ्री पॉइंट वन फोर डिक्रीज इन वाई, डिक्रीज इन वाई, या दूसरा मतलब क्या होगा, डिक्रीज इन एवरी यूनिट या वन यूनिट ऑफ एक्स 3.14 इंक्रीज इन वाई। डनो की बात, ओके की बात। ये अगले सवाल पे चलते हैं फिर। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर फोर। वो कहता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर द डिग्री ऑफ या स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्या है, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। कहता है कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, तो हमने क्या करना है, उसकी डेफिनेशन लिख देनी है, मेजर द स्ट्रेंथ या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। डन होगी बात,
क्वेश्चन नंबर फाइव, अगेन रैंक कोरिलेशन, अगेन रैंक कोरिलेशन। तो मेरे भाई हम क्या करते हैं कि अगर रैंक कोरिलेशन का क्वेश्चन आता है, हम उसके रैंक बनाकर कैलकुलेटर में पुट कर देते हैं, वहां से कोरिलेशन फाइंड कर लेते हैं। अब ये सवाल हमने करना भी है और आपसे मैंने आंसर भी पूछते हैं पूछना है, तो जल्दी से हम इसके पहले रैंक बनाते हैं। क्वेश्चन लिखे पहले, जल्दी से स्पीड मारें, इस क्वेश्चन को लिखें, नहीं लिखना तो इसके रैंक जल्दी बना लें। मैं भी इसके ऊपर ही रैंक बना रहा हूं, इसका रैंक वन होगा, इसका रैंक टू होगा, इसका रैंक थ्री होगा, फोर होगा, फाइव, सिक्स और सेवन। मैंने इसके रैंक ऊपर ही बना दिए। नेक्स्ट, 62 का रैंक वन होगा, 36 का रैंक टू होगा, इसका रैंक थ्री होगा, फोर, फाइव, सिक्स और सेवन। अब जनाब ये काम करें कि इसके रैंक कैलकुलेटर में पुट कर दें, x की जगह x के रैंक, y की जगह y के रैंक। वैसे तो db फाइंड करना कोई इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है, db फाइंड इजीली हो जाता है। और अगर आपने db फाइंड नहीं भी करना इन केस, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में रैंक पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। जल्दी से मुझे ना इसके रैंक आंसर चाहिए, हरी अप। अब ऐसे जान नहीं छूटेगी, सारे सवाल हमने मिलके करने हैं, जल्दी से मुझे इसके रैंक के आंसर बताएं, सॉरी इसका रैंक कोरिलेशन फाइंड करके आंसर बताएं। जीरो पॉइंट सिक्स जीरो सेवन, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि दो लोगों के आंसर मैच कर गए हैं। 0.6 सर जी रैंक बनाने नहीं आते सर जी, किस तरह बनाए? जमीन भाई क्या हाल है तेरे? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक। ओए सबसे बड़ी वैल्यू को वन, फिर उससे छोटी वैल्यू को टू, फिर उससे छोटी वैल्यू को थ्री, इस तरह से रैंक बनाते हैं। ठीक हो गया सर जी। ठीक है, फिर एक ना टाइड रैंक का कॉन्सेप्ट भी है इसके अंदर। तू अकेला पढ़ रहा है या तेरे साथ कोई है? जी सर, मैं अकेला हूँ सर जी। नहीं तो तेरे साथ नहीं है कोई कंबाइंड स्टडी के लिए? नहीं सर, सर नजीर है लेकिन वो अभी सोया हुआ है। कौन? नजीर सर जी। वो सोया हुआ है? उसने तो पेपर भी नहीं देने, मैंने सुना है। जी सर। वो पेपर दे रहा है? नहीं सर, बाकी दो पेपर उसके बड़े जी दे रहा, बाकी दो बड़े अच्छे हो गए, कह रहा QM की तैयारी नहीं है। मैंने सुना ना दे रहा। और तेरे साथ नजीर के अलावा क्या? नहीं सर, पहले सर जी गौर आता है सर जी कभी कभी, उसने आज शायद आना है कह रहा था। ठीक है गौर भाई, मेरे ख्याल में वो मेरी भी आवाज सुनता होगा। गौर भाई आपने ना जमीर भाई को ना ये रैंक कोरिलेशन के ना टाइड रैंक जाके सिखाना है, बाकी तो सिंपल है, रैंक बनाकर कैलकुलेटर में पुट कर देना है, रैंक बनाकर कैलकुलेटर में पुट कर लेना है। और नजीर को भी कहना पेपर दे के आए, चाहे तैयारी है या नहीं है, जितनी भी तैयारी है पेपर दे के आए और इंशाल्लाह पास हो जाएगा। ठीक है सर जी, कोई नहीं, उसको उनको मुंह फ्रेश हो और पेपर लाजमी देना है भाई, पेपर ऐसे पैसे जाया नहीं करने, पेपर देकर आओ। वैसे भी तो टाइम लग रही है, नहीं भी पेपर दोगे अटेम्प्ट काउंट हो जाएगी, पेपर लेके आओ और पास भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर जी कह दूं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं, तो ये जमीर भाई रैंक कोरिलेशन के तो अपना भी फार्मूला होता है, लेकिन अगर आप रैंक बनाकर कोरिलेशन के फार्मूले में या कैलकुलेटर में पुट करके देख लोगे तब भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमने एक डिफरेंट तरीके से सीखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट भी है और हमने इसको एक डिफरेंट तरीके से सीखा भी हुआ है, इसको देख लेते हैं। इट इज फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन एंड टेल व्हिच इज द बेस्ट फ्रॉम ए एंड बी कैटेगरी टू रिग्रेशन इक्वेशन एंड सी एंड डी। कहते हैं ए और बी में कौन सा बेस्ट है और सी और डी में कौन सा बेस्ट है, पुलिस है और नंबर ऑफ क्राइम्स है।
याद होगा ये क्वेश्चन हमने एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया है, और मेरी सजेशन यही है कि आपने हमेशा इसको उसी तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका पेपर में आंसर सही आएगा। ठीक है, तो बिस्मिल्ला करते हैं जनाब। हाँ जी, इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेटर में आप वैल्यू पुट करना शुरू कर दो जब तक मैं लिखता हूं, बल्कि आप कैलकुलेटर में पुट करो जल्दी कर, जब तक मैं लिखता हूं आप लोग कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कर दो। पॉलिस है हमारे पास 140, 130, 200। और नंबर ऑफ क्राइम्स है 95, 110। लो मेरे भाई, सबसे पहले आपने रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है, क्योंकि पेपर में वो रिग्रेशन इक्वेशन भी पूछ सकता है। जल्दी करें जनाब, ये कैलकुलेटर से ही आपने फाइंड करना है। ए और बी की वैल्यू मुझे कैलकुलेटर से फाइंड करके दे दे। कैलकुलेटर में पुट करें 140.77। हाँ जी, दोबारा का है हमजा, बताओ ए क्या है? ए ए की वैल्यू पहले बताओ ना। 140.77 140.77 माइनस बी की वैल्यू माइनस में आएगी 0.32 माइनस में आई है माइनस 0.32 एक्स। यही सब की लाइन बन रही है। जी सर, यही बन रही है। हाँ जी जनाब, यही लाइन है सबकी। जी सर, यही है। गुड, हो गया। अब आपने करना क्या है, बारी बारी एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ। ये है एक्चुअल क्राइम जो पहले गिवन है, जो वाई की वैल्यू गिवन है, इसे हम कहते हैं एक्चुअल क्राइम। ठीक है, और अब हमने फाइंड कर लेने एस्टिमेटेड क्राइम। एस्टिमेटेड कैसे फाइंड होंगे, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, पहले 140, फिर 130, फिर 200, फिर 150, तो उसका मुझे आंसर बताते जाओ। 140 पुट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। 95.47 या आप सारे इकट्ठे बोल पड़ते हो या कोई भी नहीं बोलता। क्या रहा है? 95.97 एक 130 पोर्ट करने के बाद कितना रहा है? देखना, पूरी पोर्ट करनी है, एक्स की वैल्यू पोर्ट करनी है। 99.17 नेक्स्ट।
76.77 सॉरी दोबारा 76.77 नेक्स्ट 92.77 92.77 लो जनाब ये आपने क्या पुट किया 140 130 200 और 150 पुट करके एस्टिमेटेड क्राइम रेट फाइंड कर लिए अब हमने इसको ना परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताना है परसेंटेज का तरीका मैंने आपको बताया था एक्चुअल ओवर एस्टिमेटेड मल्टीप्लाइड बाय 100 ये जनाब एक्चुअल है इसको डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड पे और 100 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा फिर उसके हिसाब से अपना आंसर आगे डिजाइन करेंगे तो बताएं जनाब पहला आंसर कितना आ रहा है नेक्स्ट 110 ओवर 99.17 मल्टीप्लाइड बाय 110.92 उसके बाद नेक्स्ट 104.20 नेक्स्ट 75/92 80.85 अब उसने कहा है ए और बी में कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है और सी और डी में कौन सा ज्यादा एफिशिएंट ए और बी में कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है सी और डी में कौन ज्यादा एफिशिएंट है तो जिसका परसेंटेज कम आती है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है जिसकी परसेंटेज कम आती है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है तो इन दोनों में ए एफिशिएंट है इन दोनों में डी एफिशिएंट है और सब में देखो तो डी ज्यादा एफिशिएंट सब में देखो तो डी ज्यादा एफिशिएंट है ये बात अब सबको समझ लग गई क्योंकि आगे क्राइम रेट वाले जितने भी सवाल आएंगे वो मैंने नहीं करवाने ठीक है वहाज भाई कह रहे हैं कि सर एक दफा कैलकुलेटर का तरीका बता दे वहाज भाई मैंने बताया था कि जिस बंदे ने भी कैलकुलेटर का तरीका सीखना है वो कॉलेज आ जाए ठीक है क्योंकि वो तसल्ली से कोई गलती ना हो जाए कि यहाँ पर क्योंकि वो विजुअल चीजें तो नजर आ नहीं रही होती हैं आपके पास इसलिए अगर किसी को भी कैलकुलेटर के किसी तरीके में मसला आता है वो 10 मिनट के लिए कॉलेज आ जाए मैं तकरीबन सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक कॉलेज ही होता हूँ 5 बजे तक ठीक है तो आप कोई सी ने भी कैलकुलेटर से तरीका सीखना है या कोई और प्रॉब्लम है तो वो कॉलेज आ सकता है ठीक है ज्यादा देर के लिए तो नहीं इस वजह से भी नहीं क्योंकि यहाँ पर ना लॉकडाउन है और जो 7 तारीख ब्लॉक है वो सील किया हुआ उन्होंने तो इसलिए आपको आना घूम घुमा कर ही पड़ेगा मैं खुद भी घूम घुमा कर ही आता हूँ कॉलेज ठीक है तो कॉलेज आ सकते हैं ठीक है जनाब नेक्स्ट अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर आगे लिखा हुआ है फाइंड द इंफॉर्मेशन गिवन है कहता है फाइंड कोरिलेशन ऑफ रिग्रेशन ये कोरिलेशन ऑफ रिग्रेशन नहीं लिखा हुआ ये लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इसको सही कर ले काइंडली इसको ठीक कर ले ये लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन पूरे को ठीक कर ले कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन यहां पर करें कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ठीक है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन हाँ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कहते हैं कि इसको है बी को कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन किसे कहते हैं बी को
तो कैलकुलेटर में पुट कर देंगे, जो बी का आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। कैलकुलेटर में पुट करेंगे क्योंकि जब एक्स और वाई डायरेक्ट गिवन होगा तो कैलकुलेटर में पुट करेंगे, और जब वैल्यूज गिवन होगी फिर फार्मूला काम आएगा। जब वैल्यूज गिवन होगी तो फार्मूला, और अगर एक्स और वाई डायरेक्ट गिवन होगा तो कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो आप सबको आता ही है क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास R इज इक्वल टू बराबर होता है अंडर रूट बी एक्स ऑन वाई मल्टीप्लाइड बाय बी वाई ऑन एक्स। उसने R हमें दे दिया है 0.4356 अंडर रूट बी एक्स ऑन वाई गिवन है 9.359 मल्टीप्लाइड बाय बी वाई ऑन एक्स हमने फाइंड करना है। डन। अब कैलकुलेटर में पुट करें आंसर आ जाएगा हमारा, या हम क्या करेंगे पहले दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे 0.4356 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9.359 मल्टीप्लाइड बाय बी वाई ऑन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर ये इधर डिवाइड कर देंगे, इसको इधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बी वाई ऑन एक्स आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है? 0.02 आया था सर सॉल्व फॉर एक्स। 0.02 सॉल्व फॉर एक्स। हमजा भाई ऐसी हर बात को सॉल्व फॉर एक्स से ना किया करें, ये थोड़ी थोड़ी वर्किंग कर लिया करो यार, अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है और हाथों की वर्जिश हो जाती है। यही जवाब आ रहा है वैसे भी, ठीक है ना, वैसे कैलकुलेटर से ना वो फिर बाद में ना सीए कैलकुलेटर को हो गया तो क्या करोगे, सारा सीए कैलकुलेटर ने थोड़ी करना है, थोड़ा थोड़ा करवाएं उसको और बाकी हमने खुद भी कुछ करना है, और वर्किंग लाजमी शो करनी है आप लोगों ने। हमारा भी अब थोड़ा सा माशाल्लाह इंसान बन गया है, वापस फॉर्म में वापस आ गया है, तो हमाद भाई थोड़ा सा पेपर को ना अंग्रेजी को भी गौर से पढ़ना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे बहुत उम्मीद है, और आप लोगों ने बस अल्लाह बाकी अल्लाह मालिक है, पेपर को जरा ध्यान से पढ़ के पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। जो अभी बीसी का जिसने पेपर देना है, जिन्होंने दोबारा वीडियो रिकॉर्डिंग सुननी है, मैं उनसे भी यही मुखातिब हूँ कि आपने ना बड़े ध्यान से पेपर देखना है, ठीक है ना। बहुत सारे आपको पता लोग परेशानियों का शिकार रहते हैं, पेपर देने के बाद इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्यूएम का पेपर जब देकर आओगे तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी, और मुझे बताना सबने ला पेपर देने के बाद वाकई परेशानी नहीं, पेपर देने से पहले बहुत होती है सर। क्या कह रहे हो हमजा भाई? पेपर देने के बाद परेशानी नहीं होती। हाँ जी, तो होनी होगी भी नहीं। आप कौन सा पेपर का? बीसी का पेपर दिया था ना, उससे पहले बुक आती नहीं थी, अब सारी बुक आती है बीसी। ऐसा ही है। आपका पेपर कब है? क्यों आपका 24 का सर। 24 का मतलब परसों पेपर है जी सर? परसों पेपर है आपका? जी सर परसों है। अच्छा, रेग्रेशन लाइन है y is equal to 32 plus 0.5, one unit increase in x, 0.5 increase in y. क्या लिखा हुआ है? One unit increase in x. कहता है एक यूनिट अगर x में इंक्रीज करोगे तो y के अंदर कितना इंक्रीज आएगा? 0.5 आएगा भी इंक्रीज, क्योंकि प्लस का साइन है। अगर यहां पर माइनस का साइन होता तो x में इंक्रीज से y डिक्रीज हो जाता, और अगर यहां पर प्लस का साइन है तो सेम डायरेक्शन होगी, अगर x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, और अगर x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा, और इस पर हमारी पहले भी काफी बहस हुई है। डन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है रैंक ऑफ स्टूडेंट्स 1 1 2 5 3 3 4 6 5 4 6 5, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक बात याद रखो, चाहे वो रैंक कहे या ना कहे, हम पहले रैंक बनाया करेंगे, उसके बाद उसको कैलकुलेटर में पुट करके रैंक कोरिलेशन फाइंड कर लेंगे, या रैंक बनाकर आप चाहे तो रैंक कोरिलेशन के फार्मूले में पुट कर दो,
या सिंपल कोरिलेशन के फार्मूले में पुट कर दो तब भी रैंक कोरिलेशन आ जाता है। रैंक कोरिलेशन के लिए रैंक्स बनाना जरूरी होते हैं, रैंक कोरिलेशन के लिए रैंक्स बनाना जरूरी होते हैं। तो अगर आप ये देखे लिखा हुआ है ना 1 1, तो एक्चुअल में ये एक्स और वाई की वैल्यू लिखी हुई है। यहां पर हम लिख लेते हैं ताकि आपको ये इस तरह के सवाल में परेशानी ना आए। एक्स और वाई, पहले उसने लिखा है 1 1, अगली वैल्यू उसने लिखी है 2 5 3 3, 2 5 3 3, उससे अगली वैल्यू लिखी है 4 6 5 4, 4 6 5 4, उससे अगली वैल्यू लिखी है 6 5, और लास्ट वैल्यू क्या लिखी हुई है 6 5। डन। अब चाहे वो कहे कि ये रैंक है, ठीक है, चाहे वो ना कहे, हमने इसके रैंक बनाकर ही कैलकुलेटर में पुट करने हैं, फिर गलती के चांसेस जीरो होंगे, ठीक है। अगर सवाल बिल्कुल इस तरह का, बिल्कुल ऐसे, तो हम क्या करेंगे, एक्स के रैंक बनाएंगे, चाहे वो कहता है रैंक बने हुए फिर भी बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। रैंक बनाने का क्या तरीका, सबसे बड़ी वैल्यू को 1, फिर अगली वैल्यू को 2, फिर अगली वैल्यू को 3, फिर अगली वैल्यू को 4, इस तरह से रैंक बनाने, y के रैंक बनाने लगा हूं मैं। सबसे बड़ी वैल्यू 6, 1, फिर उससे अगली वैल्यू 5 दो दफा है। तो जमीर भाई जरा गौर से देखना, जब भी एक जैसी वैल्यू रैंक और रिलेशन के अंदर रिपीट हो, अगर रिपीट ना होता तो फिर तो कोई इशू नहीं था, लेकिन अगर दो वैल्यूज एक जैसी रिपीट हो रही हूं तो जो भी उनके रैंक बन रहे होंगे उनके रैंक्स को प्लस करके उसकी एवरेज ले लेते हैं। क्या करते हैं, उनके रैंक की एवरेज ले लेते हैं। 6 का रैंक 1, दो दफा 5 है, तो 1 का रैंक 2, 1 का रैंक 3, उनके रैंक्स को जितने भी रैंक होंगे प्लस करके नंबर पे डिवाइड कर देंगे। 2 थे और दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, तो इसका भी रैंक 2.5 और इसका भी रैंक 2.5, यानी दोनों 5 का रैंक 2.5। डन। अगला रैंक आ रहा है 4, फिर उसके बाद उससे छोटी वैल्यू है, सॉरी और इधर नहीं, इधर है 4 के सामने, उसके बाद है 3। डन हो गया, 5 होना है, नहीं नहीं 5 के तो 2.5 लिख दिए ना रैंक, कैलकुलेटर में पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा 0.492। दोनों रैंक्स को कैलकुलेटर में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। धनों की बात। अगला सवाल, हाँ जी जनाब,
हाँ जी जनाब, 0.492, क्लियर होगी बात। अगला सवाल जी मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है, कहते हैं समीशन एक्स आपको गिवन है, समीशन वाई गिवन है, समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर और एन गिवन है। कहते हैं फाइंड रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, आल्सो फाइंड आर। सिंपल, इसमें ये कैलकुलेटर से नहीं होता, ये याद रखें, ये कैलकुलेटर से आपका नहीं होगा, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसलिए इसका फार्मूला लगाएंगे हम, फार्मूला आपको याद होगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फार्मूला लगना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अपने अपने कैलकुलेटर तैयार रखो, y बराबर होता है a प्लस बी एक्स, ये है हमारी रिग्रेशन लाइन y ऑन x। पेपर में एक दफा वो उसने पूछ लिया कि रिग्रेशन लाइन कौन सी है पहचानो, और उसने दरमियान में माइनस लिख दिया, बच्चे भूल गए, दरमियान में प्लस है, ओरिजिनल जो लाइन है उसके दरमियान में प्लस है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, राइट। तो b का फार्मूला है जनाब, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर n समीशन एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन एक्स होल का स्क्वेयर। जल्दी से वैल्यू पुट करके मुझे आंसर बताएं, और a का फार्मूला है y बार माइनस बी एक्स बार, y बार माइनस बी एक्स बार, और y बार भी मेरे पास किसके बराबर है, समीशन y ओवर n माइनस बी इंटू समीशन एक्स ओवर n। जल्दी से अपनी अपनी वैल्यू हर बंदा फाइंड करके मुझे b का आंसर और a का आंसर लिखवाए। हरी अब फार्मूले सारे याद करने हैं, जी 0.48 बाकी बी का टैली कर ली सर, जैसे बी का बाकी भी देख लेना 0.48 देख लें सर। हाँ बाकी आंसर कोई मैच करेगा तो फिर टैली करेंगे। एक आंसर कितना है? एक दफा अपनी असाइनमेंट का पेज दिखाइएगा जरा, इसमें जरा देखना था कितना लगा। ठीक हो गया सर, वो गलती निकालने से निकलेगी। सर मैं ना 800 फीट किया हुआ, वहां 500 है। जो यहां पर वैल्यू लिखी हुई है ना, इसको देखे ना, जो यहां पर लिखी हुई है, जो यहां पर वैल्यू लिखी हुई है ना, उसको देखे ना, जो यहां पर वैल्यूज लिखी हुई है उसके हिसाब से काइंडली सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं। सर 0.4784 0.4784 तो कोई इशू नहीं है, पहले मैंने 800 लिखा था, 500 लिखा है बस। एक आंसर भी बताओ ना, जीरो पॉइंट सिक्स आ रहा है, 0.6। बाकी हमारा तेरा आंसर कितना आ रहा है?
नादर भाई आप भी बोल पड़ा करो, अपने आसन मुझे ना ओके करो। जी सर सेम है सारे। गुड हो गया। हाँ जी वैसे खबर जी सर सही बॉक्स कर ताकि उनका आंसर भी ओके होता जाए। चले अगर सबका आंसर यही आ रहा है तो उसने पहला काम ही यही कहा है कि हमने बताना है कि अपनी यानी रिग्रेशन लाइन का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है वो कैल आई कैप फार्मूले को कभी नहीं भूलता, ये याद रखें। वो फार्मूले की हमेशा एप्लीकेशन हमसे करवाएगा 0.6 प्लस 0.48x ये आंसर आ गया। फिर वो कहते हैं आरबीएस का फाइंड करो। ठीक है आर का फार्मूला क्या है हमारे पास याद होगा आपको एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई ओवर एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल का स्क्वायर। फिर है जनाब एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है जनाब अब इसमें भी सारी वैल्यूज पुट करके हम अपना आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा। तो जल्दी से आर भी फाइंड करें इसका। जी मेरे भाई कितना आंसर आ रहा है थोड़ी सी स्पीड मारा करें यार टाइगर बिस्कुट खाया करें। सर वो कैलकुलेटर पे सिंटैक्स ही एरर आ रहा है सारे इकट्ठी सोल्व की है कोई वैल्यू नेगेटिव ना आ रही हो किसी वैल्यू माइनस 0.96 माइनस 0.96 स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन या हाई नेगेटिव कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। सर एक क्वेश्चन था जी सर अगर जीरो पे हो तो कौन सा कोरिलेशन होगा जीरो पे नल कोरिलेशन अगर आंसर जीरो okay, आता तो नल यही है सर माइनस 0.96 है। ओके हो गया अगला सवाल। अगले सवाल पे आ जाएं जनाब क्वेश्चन है 12 इसको थोड़ा सही कर ले ये क्वेश्चन में ये गलती है छोटी सी कि यहां पर ना प्लस है यहां बल्कि लिख लें एक्स प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जनाब और अगर आपको ना बताया हो तो आपने पहले अज्यूम करना है कि ये पहली लाइन x1y है। अगर ना बताया हो तो बताया हो तो जो बताया होगा वो ही लेंगे और दूसरी लाइन y1x। अगर इससे आंसर हमारा नहीं आता तो तब हम अपनी ऊपर वाली लाइन y1x कर देंगे नीचे वाली लाइन x1y कर देंगे। दोबारा सुन लें इस तरह के क्वेश्चन में
वो बता देता है, 99% वो बता देता है। अगर नहीं बताता, इन केस नहीं बताता, तो हमने क्या करना है, पहले ऊपर वाली लाइन जो भी होगी उसको लिख देंगे एक्स ऑन वाई, और जो दूसरी लाइन होगी उसको लिख देंगे वाई ऑन एक्स, और उसको सॉल्व कर देंगे। अगर बता दिया तो फिर तो बहुत अच्छी बात। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुने, जो लाइंस उसने बताई हैं वो अभी सॉल्यूशन के साथ ही वो पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी तो हमारे पास क्वेश्चन है, पहला 5x plus 4y, 5x plus 4y minus 10 is equal to 0, और ये लाइन हमने कहा है कि x on y है, ठीक हो गया। हमने क्या करना है, x on y के लिए 5x is equal to 10 minus 4y, और x is equal to 10 over 5 minus 4 over 5y, तो मेरा b x on y आ गया, माइनस 0.8 लिख लें या माइनस 4/5 लिख लें, एक ही बात, माइनस 0.8 लिख लें या 4/5 लिख लें, एक ही बात है। ये तब करना है अगर वो ना बताए कि कौन सी लाइन एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स है, लेकिन पेपर में अपने आप को यानी ड्यूल कैपेसिटी के साथ बिठाना है, वाई ऑन एक्स लाइन, अगली लाइन है जनाब हमारे पास x प्लस 5y माइनस 3, x प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू 3 माइनस x, और y इज इक्वल टू 3 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 5 x, तो मेरे पास b y ऑन x आ गया माइनस 1 ओवर 5 या माइनस 0.2। अब इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगा, अगर पेपर में सॉल्व करते हुए एक आंसर नेगेटिव आ जाए बी का और एक पॉजिटिव आ जाए तो आपने कहना है नॉट पॉसिबल, फिर आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। अगर एक आंसर नेगेटिव आ जाए और दूसरा आंसर पॉजिटिव आ जाए तो आपने आंसर में क्या लिखना है, नॉट पॉसिबल, राइट। हाँ, अगर दोनों आंसर सेम साइन के हैं फिर ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अभी मैं R फाइंड करने लगा हूं, R मेरा नेगेटिव आएगा ये आप सबको पता है, R इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट माइनस 0.8 इनटू माइनस 0.2, तो आंसर मेरा नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों B नेगेटिव हैं। कितना आंसर आ रहा है, 0.16 का रूट ले लो ना, जी कितना आंसर आ रहा है, 0.4, 0.42, 0.4 बस, हाँ 0.4 ही आ गया, हाँ जी, तो माइनस 0.4 ये आंसर आ गया। अब आखिरी इंपॉर्टेंट बात इस सवाल से रिलेटेड कि इन केस ये आंसर रेंज के बाहर आ जाता और लाइन भी ना बताती बताई होती तो हम जो x on y लाइन है वो y on x कर देते, जो y on x है वो x on y कर देते, लेकिन पेपर में 99% बताया होता है, ठीक है। दोबारा इस सवाल को देखें, सबसे पहले जो लाइन बताई हुई है पहले उसका फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है, फिर उसका b आपको पता है उसके बराबर सॉल्व करेंगे, अगर दोनों b पॉजिटिव हैं तो r का आंसर पॉजिटिव लिखेंगे और अगर दोनों b नेगेटिव हैं तो r का आंसर भी नेगेटिव लिखेंगे। डनों की बात। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, जी मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी वो कहता है कि समीशन एक्स वाई समीशन एक्स स्क्वायर, ये समीशन वाई स्क्वायर है, इसको सही कर ले, जो दूसरी लाइन है ये समीशन वाई स्क्वायर है, ठीक होगी बात। उसके बाद है जनाब n गिवन है, x बार y बार गिवन है, कहता है फाइंड r, ठीक है, तो जनाब r का फार्मूला लिखें। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, हर सिचुएशन का अपना फार्मूला, हर सिचुएशन का
अपना फार्मूला, तो लिखे जरा फार्मूला, आर इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर समीशन एक्स स्क्वेयर माइनस एन एक्स बार का स्क्वेयर समीशन वाई स्क्वेयर माइनस एन वाई बार का स्क्वेयर अंडर रूट। जी वैल्यूज पुट करें आंसर आ जाएगा। सर जी एक बार वैल्यू दिखा दें, वो लिख रहे थे हमारे पास मिस है बिल्कुल। जी वैल्यूज अगर आपने देख लिया तो मुझे आर की वैल्यू बता दें, सारी वैल्यूज पुट करें हमारा आंसर आर का बता दें कितना आ रहा है। -0.44 -0.44। एक और आंसर की वेरिफिकेशन मिल जाए तो फिर आगे चलते हैं कि क्या यही आंसर आ रहा है। जी किसी और का फाइंड हुआ है आंसर या नहीं? यही आया सर -0.44 -0.44। बाकी लोगों का भी आ गया, फिर आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 625। वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब इसको लिखने का तरीका क्या है, उसने अपने अंदाज में लिखा है, वो एक्चुअल में कह रहा है स्क्वायर वाई 625। वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब स्क्वायर वाई x, और फिर कहता है वेरियंस ऑफ x 25। पहले उसने x का वेरियंस दिया, ये x का y करनी है, और फिर कहता है वेरियंस ऑफ y 25। ये एक वेरियंस ऑफ x है, दूसरा वेरियंस ऑफ y है, सॉरी मीन ऑफ x है, सॉरी मीन ऑफ x और मीन ऑफ y, सॉरी ये सही कर लें, एक है वेरिएंस ऑफ एक्स दूसरा है मीन ऑफ एक्स। इसको ठीक कर लें, ये मीन ऑफ एक्स है, ठीक है। नेक्स्ट वो लिखता है कि हमारे पास मीन ऑफ वाई 10 है, मतलब वाई बार, और आर स्क्वेयर वो कह रहा है 0.0822 है, आर स्क्वेयर 0.0822 है, और आगे कहता है वेरिएंस ऑफ वाई भी आपके पास 100 गिवन, वेरिएंस ऑफ वाई आपको 100 गिवन है। कहता है इफ, ये सवाल को ठीक कर लें, आप पूरा सवाल ठीक कर लें, मैं यहां पर लिखवा देता हूं। वो कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ वाई इफ एक्स इज इक्वल टू 50। फाइंड वैल्यू ऑफ वाई इफ एक्स इज इक्वल टू 50।
फाइंड वैल्यू ऑफ वाई इफ एक्स इज इक्वल टू 50. फाइंड वैल्यू ऑफ वाई इफ एक्स इज इक्वल टू 50. ये सवाल है एक्चुअल में कि अगर x की वैल्यू 50 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी. तो एक्चुअल में ये रेग्रेशन का क्वेश्चन है. जरा गौर फरमाए, मैं अभी आपको दिखाता हूं कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अगर हम लिखेंगे, कहते हैं अगर x की जगह 50 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी. उसके लिए हमें a और b की जरूरत है. उसके लिए हमें a और b की जरूरत है. और a और b का फार्मूला हमें आता है. a और b का फार्मूला हमें आता है. वैसे तो आप चाहो तो एक मैंने फार्मूला आपको लिखवाया था, आपको अगर वो याद नहीं भी है तो मैं आपको एक और फार्मूले से करवा देता हूं जो आपको ज्यादा आसान लगेगा. क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको याद होगा कि b का एक फार्मूला हमें पता है, b इज इक्वल टू होता है बी वाई ऑन एक्स एस एक्स वाई ओवर एस स्क्वायर एक्स. याद है ये फार्मूला, बी वाई ऑन एक्स बराबर है एस एक्स वाई ओवर एस स्क्वायर एक्स. ये फार्मूला हमने b का लिखा हुआ है, बी वाई ऑन एक्स. ओके, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास b यानी एस स्क्वायर एक्स तो है लेकिन एस एक्स वाई नहीं है. वो हम यहां से फाइंड करेंगे, खत्म, सवाल ही हो जाएगा हमारा. आर का फार्मूला हमें याद है एस एक्स वाई ओवर एस स्क्वायर एक्स, सॉरी एस एक्स, एस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एस वाई है आर. आर का आंसर ये हमारे पास है. अब क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है आर स्क्वायर. हम क्या करते हैं, जो जो हमें स्क्वायर फॉर्म में गिवन है सबके अंडर रूट ले लेते हैं. यानी यहां से हम एस एक्स वाई फाइंड कर सकते हैं. तो जल्दी से मुझे आर की वैल्यू बता दें, आर मेरे पास कितना आएगा, अंडर रूट 0.0822, 0.2867 इज इक्वल टू एस एक्स वाई. मैंने फाइंड करना है एस एक्स कितना गिवन है 625, तो उसका अंडर रूट ले लूंगा तो 25 आ जाएगा. एस वाई 100 है, उसका अंडर रूट ले लूंगा तो 10 आ जाएगा. तो लो मेरे भाई, मेरे पास एस एक्स वाई आ जाएगा, मेरे पास एस एक्स वाई आ जाएगा. तरीका अगर आपने सीखना है मेन, तो जनाब मल्टीप्लाई कर दें 0.2867250 से 71.675. ये ऐसा दोबारा देखें इस सवाल को. इस सवाल को दोबारा जरा देखिएगा. हमें ये क्वेश्चन गिवन था कि आपको एस स्क्वायर एक्स और एस स्क्वायर वाई गिवन था, एक्स बार वाई बार गिवन था और आर स्क्वायर गिवन था, राइट. हमें जो लाइन चाहिए थी उसके लिए हमने जो बी का फार्मूला लिखा उसके लिए हमें एस एक्स वाई नहीं था, बाकी सब कुछ था. अब जनाब मेरे पास बी वाई ऑन एक्स आ सकता है 71.675 डिवाइडेड बाय 625. जी जनाब, अब डिवाइड कर दें इसको 625 पे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.11468. जी जनाब, बी आ गया. और जैसे बी आ गया ए की सारी इंफॉर्मेशन गिवन है. जैसे ही बी आया ए की सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, क्योंकि हमें एक्स बार भी गिवन है और वाई बार भी गिवन है. यहां पर ही मैं ए फाइंड करके दे देता हूं, वो होता है वाई बार ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स. क्वेश्चन के अंदर वाई बार गिवन है 10 माइनस 10 माइनस 0.11468 इनटू
एक्स बार मेरे पास 25 U1 है, एक्स बार मेरे पास 25 U1 है, डन। लॉज हाँ सर निकाल लें, 10 माइनस 0.11468 और मल्टीप्लाई वो हो रहा है 25 से, तो देखो जरा आंसर हमारा कितना आ रहा है, 7.133 आ रहा है या नहीं, 7.133 सबका ये आ रहा है या नहीं? यस सर। हमारे पास ए बी आ गया और हमारे पास बी बी आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास आ गया जनाब y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए आ गया 7.133 प्लस बी है 0.11468x। अब वो कहता है x अगर 50 है तो y की वैल्यू बताओ, अगर x मेरे पास 50 है, इफ x इज इक्वल टू 50 तो y की वैल्यू बताओ, तो 7.133 प्लस 0.11468 इनटू 50, लो जी मेरे पास आंसर आ जाएगा 14.47, 14.47 नहीं यार, दोबारा चेक करें अपना आंसर, 12.867 ये आंसर है सर। वो ना मैंने एक बात पूछनी थी, 8.6 ये पूछो सर, ये जो कंट्रीब्यूशन होता है सर, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के इक्वल होती है कंट्रीब्यूशन? नहीं मेरे भाई, कंट्रीब्यूशन तो होता है सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब ओवरऑल सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन कहते हैं। वही ना सर, आपने एक सवाल करवाया हुआ था ना जहाँ ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करते हैं, और वो था ना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स, सर आपने ना कंट्रीब्यूशन की जगह पर हमें लिखवाया हुआ वो यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की आपने वो लिखवाई हुई है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नहीं अब सुने, कंट्रीब्यूशन टोटल वेरिएबल कॉस्ट को नहीं कहते, ये याद रखते हैं, आप लोगों ने ना कुछ उसको ऊंच नीच लिख दिया होगा, एक बात याद रखें, एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है, कभी भी कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट बराबर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का फार्मूला ये होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो आंसर आता है उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं। हाँ कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट कर दो, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो प्रॉफिट जीरो आता है, अगर कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट आपस में बराबर हो जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ये मैंने लिखवाया था, अगर बराबर बराबर होते नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर होते हैं। भला कैसे? क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे प्रॉफिट जीरो आना चाहिए, तभी तो ब्रेक इवन पॉइंट आता है। अब बात समझ रहे हो या नहीं? सर ये दोबारा बता दें जो वैल्यू निकाल ली आपने 7.1 कौन सी वैल्यू 7.1.675 जो ए की वैल्यू निकाली है? नहीं सर ये एस एक्स वाई की जो निकाली। अच्छा देख लें जरा, आप ना इधर उधर ना जाया करो क्योंकि इस टाइम का जाया होता है। ये है जी सर, आपको क्वेश्चन के अंदर आर स्क्वायर गिवन था जी सर, हम अंडर रूट लेकर आर फाइंड किया, फिर आपके क्वेश्चन के अंदर एस स्क्वायर एक्स गिवन था तो उसका अंडर रूट लिया तो एस एक्स आ गया, फिर एस स्क्वायर वाई था उसका भी अंडर रूट लिया। डन आगे चले, अगला सवाल
अगला सवाल है जनाब, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ये क्वेश्चन नंबर अभी जो 12 किया ये वही क्वेश्चन है, इसकी जगह बस प्लस का साइन हमने लिखना है, बाकी ये सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर भी हमने 0.4 निकाला था, -0.4 क्योंकि दोनों नेगेटिव थे, ओके की बात। हाँ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 16 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखा हुआ है जनाब के समीशन एक्स हमें गिवन है, समीशन वाई भी गिवन है, समीशन एक्स वाई भी गिवन है, फिर है समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर, फिर एन है, कहता है फाइंड वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मेन उस ये सवाल है कि मेन दोनों रिग्रेशन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर, दोनों रिग्रेशन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है एक्स बार और वाई बार, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है एक्स बार और वाई बार, मुख्य की बात, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है एक्स बार और वाई बार। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल साफ सुथरा सा है, अक्सर स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि जो दो रिग्रेशन लाइन है एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना, तो एक्स बार इसमें के अंदर कितना आ रहा है समीशन एक्स ओवर एन 12.39 और वाई बार कितना आ रहा है समीशन वाई ओवर एन 0.79, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक्स बार वाई बार इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। जी सर ये 12.39 है कि 12.39 है? नहीं एक्स ये तो लिखा हुआ है ना 12.39, लेकिन जब हम इसका एक्स बार फाइंड करेंगे वो आएगा 12.39 क्योंकि समीशन एक्स ओवर एन करना है ना। ओके सर, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो एक्स बार वाई बार होता है और एक्स बार वाई बार क्या होता है समीशन एक्स ओवर एन एक्स बार और समीशन वाई ओवर एन वाई बार। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको टाउन्स गिवन है बी, ये वही सवाल है, थोड़ा सा तरीकाकार चेंज है, सवाल वही है जो अभी हम पुलिस वाला कार के आए हैं, तरीकाकार सेम वही है। सबसे पहले वो क्या कहता है रेगुलेशन लाइन बनाओ, कैलकुलेटर सपोर्ट कर देंगे, कहता है कोरिलेशन फाइंड करो, कोरिलेशन भी कैलकुलेटर से, डिटर्मिनेशन फाइंड करेंगे उसका स्क्वायर ले लेंगे, फिर वो कहता है यूज द अबव रिग्रेशन इक्वेशन वेदर पुलिस ऑफ जे टाउन इज मोर एफिशिएंट ऑफ पुलिस पी टाउन। जब भी पुलिस की रिग्रेशन के अंदर एफिशिएंसी फाइंड करेंगे सबसे पहले हमने क्या करना है एस्टिमेटेड क्राइम का भी कॉलम बनाना है और एक्चुअल का तो गिवन है, फिर डिवाइड कर देना है एक्चुअल को एस्टिमेटेड पे, जो कम होगा वो मोर एफिशिएंट होगा क्योंकि क्राइम रेट है ना, जो क्राइम रेट कम होगा वो मोर एफिशिएंट होगा। ठीक है तो ये सवाल अब आपने खुद कर लेना है क्योंकि ये सवाल हमने पहले भी किया हुआ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है रैंक कोरिलेशन बना ले, रैंक पहले वही रैंक बनाकर कैलकुलेटर में पुट कर दे, रैंक अगर आप बनाना चाहते हो तो बना लो, सबसे बड़ी वैल्यू है 190, वन उसके बाद है 182, तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, बिल्कुल इसी रेंज में रैंक बांध रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू से इसी तरह से छोटी वैल्यू होती जा रही है। डन, फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, कैलकुलेटर में पुट कर देंगे जो आंसर आएगा हमारा रैंक कोरिलेशन का आ जाएगा, तो अब चाहो तो कैलकुलेटर में पुट कर दो, जी जनाब सर जी डी सी D0 जगह D0
डी जीरो कैसे हो जाएगा मेरे भाई, डी जीरो तो नहीं हो रहा। माइनस वन आ रहा था, वन आ रहा है, माइनस वन, माइनस वन ही आएगा। गुड, आर इज इक्वल टू माइनस वन क्योंकि सेम रेशियो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, सेम रेशियो है बट अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस वन आएगा। डनों की बात सबके लिए ओके है। सर जी आपने वेट को रैंक कैसे दिया, बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आंसर वन आएगा जी। तो रेशियो सेम हो गई ना, फिर आंसर वन आएगा। बिल्कुल फहद भाई ने सही कहा है कि बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, तो सबसे बड़ी वैल्यू को वन, उससे छोटी वैल्यू को टू, उससे छोटी वैल्यू को थ्री, तो इसका आंसर वन आएगा, प्लस वन आएगा क्योंकि अब सेम डायरेक्शन होगी। अगला सवाल सर, ये रैंक कोरिलेशन और एक दफा करवा दें। रैंक बनानी नहीं है आपको, कैलकुलेटर पे सर कैसे करना है उसका नहीं पता। ऐसे कोरिलेशन फाइंड करते हैं, कोरिलेशन फाइंड करते हैं, रैंक पुट करते हैं, बस ये क्या रखना है। आपने रैंक बनाकर फार्मूले में एक्स वाई की जगह पुट करके फाइंड कोरिलेशन ही करना है। जब रैंक फाइंड करते हैं उसको रैंक कोरिलेशन कहते हैं। लेकिन अगर वो एक बात याद रखें, अगर प्लस वन क्वेश्चन के अंदर गिवन ही नहीं है, एक रेंज बताई हुई है 0.9 से लेकर प्लस वन तक, अगर प्लस वन आंसर होगा तो वही टिक करेंगे, अगर 0.9 से प्लस वन तक है तब भी वो रेंज भी सिलेक्ट कर देते हैं क्योंकि पॉजिटिव परफेक्ट और हाई कोरिलेशन एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं इन केस डायरेक्ट वैल्यू ना बताइए, वरना जो प्लस वन है वो पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन होता है और 0.9 से ऊपर ऊपर वैल्यू स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाती है। अगला सवाल कहता है कोरिलेशन फाइंड करना और कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करना। जी मेरे भाई क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, जो हमारे पास आर का आंसर आएगा वो तो आ जाएगा कोरिलेशन और उसका स्क्वायर ले लेंगे तो वो आ जाएगा कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो मेरे भाई जल्दी से पुट करके मुझे आंसर बताएं, जल्दी से पुट करें और आंसर बताएं कितना आ रहा है। अपने अपने कैलकुलेटर में पुट करें क्योंकि एक्स वाई जब भी आ गया कैलकुलेटर से सॉल्व करना है हमने। आर आ रहा 0.98, 0.96। दानों की बात जी, अगला सवाल रैंक कोरिलेशन, तो हमें याद है कि पहले इसके रैंक बनाएंगे फिर उसके बाद कैलकुलेटर भी पुट कर देंगे, या फिर अगर देखो ना टाइड रैंक ना आ रहा हो तो सीधा सीधा ये इसका भी सवाल भी जल्दी हो जाता है, रैंक कोरिलेशन के फार्मूले से भी जल्दी हो जाता है। तो सबसे बड़ी वैल्यू पहचाने कौन सी है, 9700, इसको वन लिख देंगे, फिर उससे छोटी वैल्यू 6000 में आ रही है उसको टू, इसको थ्री, फिर इसको फोर,
इसको 5 और इसको 6, डन। फिर y की वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है 85, तो 1, उसके बाद 60, तो 2, उसके बाद 51, 3, 4, ये 5 और ये 6। लो मेरे भाई, रैंक बनाने के बाद इसको भी कैलकुलेटर में ही पुट कर देंगे। रैंक बनाने के बाद इसको भी कैलकुलेटर में पुट कर देंगे। हाँ जी जनाब, जीरो पॉइंट वन नाइन सिक्स मेरा आ रहा है, 196, बाकी भी देख लें, 0.085 आ रहा है। ज्यादा लोगों का आंसर आ रहा है तो हम, मेरा भी 0.085 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 0.085 ज्यादा लोगों का आंसर आ रहा है तो वही मान लेते हैं। दोनों की बात चले जनाब, आगे चलते हैं फिर। सर थोड़ा सा रैंक का बता दें, कैसे बनाते हैं? सबसे बड़ी वैल्यू को फिर उससे छोटी वैल्यू को, फिर उससे छोटी वैल्यू को 3, इस तरह से। ठीक है सर, हो गया। आपने क्लासेस नहीं ली हुई इंटीग्रेशन की, तो दो दफा क्लासेस हुई है, एक दफा तो मैंने करवाई है, एक दफा फैसल साहब ने करवाई है। चले जनाब, अगला सवाल कहते आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.64 है तो बताओ उसका मतलब क्या है। इसका मतलब है 6 आर स्क्वायर की बात हो रही है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.64 है, इसका मतलब है 64% एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है। जितना आर स्क्वायर का आंसर आ जाता है वो हमेशा याद रखे, हमने उसको परसेंटेज में आंसर देना होता है, और बाकी जो 36% आ रहा है वो है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। जो परसेंटेज में आंसर होता है आर स्क्वायर का होता है, हमेशा याद रखें, तो उसका एक्सप्लेन्ड वेरिएशन भी आपने बताना है और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन भी बताना है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन भी बताना है और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन भी बताना है। क्लियर होगी बात जनाब, आगे चलते हैं फिर अगले सवाल पे। नेक्स्ट है जनाब हमारे पास, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन। याद रखें कोरिलेशन की चार बातें हैं, कोरिलेशन की चार बातें हैं, चारों बातें आपने लिखी होगी, मैं फिर एक दफा लिखवा देता हूं। सबसे पहली बात, आर एक्स ऑन वाई बराबर होता है आर वाई ऑन एक्स। सबसे पहली बात, आर एक्स ऑन वाई बराबर होता है आर वाई ऑन एक्स, बी नहीं बराबर होते, आर दोनों बराबर होते। दूसरी बात, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू में जो कुछ मर्जी कर दो आर चेंज नहीं होता, आर इज इंडिपेंडेंट, आर इज इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ ओरिजिन
with respect to change of region and change of scale. इसका मतलब यही है कि R independent होता है with respect to change of origin and change of scale. तीसरी बात इसकी होती है, तीसरी बात कि इसकी जो रेंज होती है वो माइनस वन से लेकर प्लस वन होती है और ये दोनों भी शामिल होते हैं। और चौथी बार होती है कि R बराबर होता है बी एक्स ऑन वाई मल्टीप्लाइड बाय बी वाई ऑन एक्स या R बराबर होता है बी मल्टीप्लाइड बाय डी, ये एक ही बात है। बी और डी या बी एक्स ऑन वाई और बी वाई ऑन एक्स एक ही बात है। ओके होगी बात। ये चार बातें हैं कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज के अंदर, और रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज के अंदर तीन बातें हैं। एक, रिग्रेशन लाइंस पासेस थ्रू एक्स बार वाई बार, रिग्रेशन लाइंस पासेस थ्रू एक्स बार वाई बार। दूसरी उसकी बात है जनाब कि समीशन y माइनस y हैट बराबर होता है जीरो के, और तीसरी बात होती है समीशन y माइनस y हैट का स्क्वायर बराबर होता है मिनिमम। ऐसे एक और बात भी होती है, लिख लो लिखना है कि सम ऑफ एक्चुअल वैल्यू बराबर होता है सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू। जैसे ये पेपर में पहली बात ही इसकी आती है जो हमने अभी सवाल कर भी चुके हैं। ओके होगी बात जनाब। आगे चलते हैं फिर अगला सवाल। उसने क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिग्रेशन लाइन बताएं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 25 वो क्या कह रहा है जनाब हमें, क्वेश्चन नंबर 25 कि रिग्रेशन लाइन पासेस थ्रू एक्स बार वाई बार। फिर कहता है रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशियंट माइनस वन टू प्लस वन। कहते हैं आर के कमेंट्स बताएं। आर क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल बताता है। आर क्या बताता है हमें? स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। फिर कहते हैं आर स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है? आर स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो क्या मतलब बनेगा इसका? के एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है ही नहीं, सारे का सारा अनएक्सप्लेन्ड है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक दूसरे पर जीरो डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जीरो डिपेंड करते हैं। ओके होगी बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यही अभी अभी मैं बता चुका था 29, आर स्क्वायर 0.83, बी आपके पास है 3.24 और डी फाइंड करना है। अक्सर स्टूडेंट रिग्रेशन के अंदर डी के बारे में परेशान हो जाते हैं, और डी एक्स ऑन वाई होता है मेरे भाई, बी एक्स ऑन वाई। अभी ये मैंने फार्मूला भी ये लिखा था, ये अगर आपको याद हो, अभी ये देखें, ये फार्मूला हमने अभी लिखा है, तो हम फार्मूला पुट कर देते हैं। जी जनाब, R इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाय D अंडर रूट, उसने R स्क्वायर गिवन है, तो जब R स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा B मल्टीप्लाइड बाय D। 0.83 इज इक्वल टू 3.24 मल्टीप्लाइड बाय D हमने फाइंड करना, तो D मेरे पास कितना आ जाएगा? जी मेरे भाई, 0.83 को डिवाइड कर दें 3.24 पे, कितना आंसर आ रहा है? 0.256। ओके होगी बात। आगे क्वेश्चन आप आसान आसान से हैं, सिर्फ दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हमें परेशान कर सकते हैं, सिर्फ दो क्वेश्चन, इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन ये भी हमने किया हुआ है, कहता है एवरी इंक्रीज इन एक्स वाई वुड बी डिक्रीज बाय 1.5। वो याद हो है ना, ये
ये इनका अब माइनस की वजह से अपोजिट रिलेशन होगा, माइनस की वजह से अपोजिट रिलेशन होगा, ये सवाल हम पहले ही कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में ये वैल्यू मिसिंग है, इसको वैसे फार्मूला आपको याद है, इसको भी रहने दें, इसमें वैल्यू मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 32 में ये भी सवाल आपको आता है, जरा ध्यान से, कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहता है उसकी रेंज होती है -1 to +1, गलत, क्योंकि ये तो रेंज किसकी है, कोरिलेशन की। कहता है कि ये आर का स्क्वायर होता है, सही। कहता है इसकी रेंज 0 to 1 होती है, सही। तो आंसर हो गया इसका बी एंड सी। क्लियर होगी बात, डन होगी बात। क्वेश्चन नंबर 33, 55% वेरिएशन बाय एक्स, 55% वेरिएशन। एक बात याद रख लें सारे लोग मिलके, जब भी परसेंटेज के अंदर वेरिएशन होगी दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, जब भी परसेंटेज के अंदर वेरिएशन होगी तो वो क्या होगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है आपका 55% या 0.55। कहते हैं फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट, फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट इफ बी एक्स ऑन वाई एंड बी वाई ऑन एक्स बोथ आर नेगेटिव। इसके नेगेटिव कहने का मतलब यह है कि जो आर का आंसर आए उसको भी आपने नेगेटिव लिखना है, जो आर का आंसर आए उसको भी आपने नेगेटिव लिखना है, क्योंकि इन सब के साइन तो सेम होते हैं। तो मेरे पास आर बराबर आ जाएगा -√0.55, तो आंसर आ गया -0.7416। ये बात हमने क्लास में डिस्कस की हुई है, ये क्लास वाली ही बात है, डन होगी बात। अगला सवाल हम करते हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। लो जनाब, ना -1.5 हो सकती है, ना +1.5 हो सकती है, जीरो हो सकती है नल कोरिलेशन में, क्योंकि इसकी रेंज है -1 to +1। ना -1 से छोटी हो सकती है, ना +1 से बड़ी हो सकती है, इस रेंज में आ सकती है। ओके होगी बात जनाब। अगला सवाल फिर से बहुत आसान, इसका आंसर तो आप लोगों को आता ही होगा। लिखा हुआ है 2 पर्सन ए एंड बी, उसने उसके रैंक दे दिए, ये रैंक देकर उसने डी का स्क्वायर भी दे दिया। कहता है मुझे फाइंड करके दो रैंक कोरिलेशन, क्या फाइंड करके दो। अब कैलकुलेटर में पुट करने की मेरे भाई जरूरत नहीं है, उसकी वजह क्योंकि उस बेचारे ने मेहनत करके आपको इतनी चीजें दे दी, तो हमें पता है फार्मूला है 1 - d² / (n)(n²-1)। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 - 6 × 4, क्योंकि डी स्क्वायर का सम दिया हुआ है 4, डिवाइडेड बाय n, हमारे पास 4 है, 4 × 4² - 1। लो जनाब मुझे आंसर बता दें, 1 - 24/60 बनता है, क्योंकि 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 बनता है। लो जनाब आंसर आ गया हमारा, 1 में से माइनस कर दें, 24/60 0.6, तो हमारा आंसर आ गया 0.6। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 थोड़ा सा थ्रेटिकल नेचर का सवाल है, सिर्फ 36 भी और 37 भी, 36 और 37 दोनों न्यूमेरिकल नेचर के सवाल हैं। ये 38 कोई क्वेश्चन नहीं है, ये उसकी ऑप्शंस हैं, 37 की ऑप्शंस हैं, 38 कोई क्वेश्चन नहीं है। पहले 36 पढ़ते हैं, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैंक कोरिलेशन इज नॉट करेक्ट। जी
सर आप लेक्चर रिकॉर्डिंग कब तक कर लेंगे? किस चीज की? इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो अभी हो रहा है ये मेरे भाई, जैसे मुझे मिलेगी मैं उस वक्त सेंड कर दूं। क्यों आप जाने के सर जी की ओर कहां से गए हैं? ये कोई रह गया काम थोड़ा रह गया, ज्यादा नहीं रहता। और जी आपने कल वाले ना लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। वो कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, वो अभी मिल गई है, वो मैं इस पे लेक्चर कंप्लीट होते ही कर दूंगा। ठीक है सर। हमदा भाई आपने रहना है थोड़ी देर के लिए, फ्रेश फ्रेश रहे क्योंकि कैलकुलेशन आप कर रहे हो, बाकी भी लोग वैसे एक्टिव हैं, इसलिए थोड़ी सी हिम्मत। हाँ ये 36 क्वेश्चन हो गए तकरीबन, इसके अलावा इतने ही और होंगे। वैसे सॉल्व करने वाले तो मैक्सिमम 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बाकी आप खुद सॉल्व कर लोगे। सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ना, उसके बाद कर लेंगे। क्या हुआ? 10-15 मिनट की ब्रेक दे दें। अरे चीकू ब्रेक देंगे थोड़ा सा, ये क्वेश्चन को कर लेना, 50 क्वेश्चन कर लें फिर ब्रेक देते हैं 10-15 मिनट की। ये 50 क्वेश्चन अभी हो जाएंगे, 36 पर पहुंच गए, 50 क्वेश्चन के बाद ब्रेक होगी थोड़ी सी। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट ना हो वो बतानी है। कहते हैं इट कैन कोरिलेट टू आर मोर सेट ऑफ रैंकिंग। कहता है कि ये इट कैन कोरिलेट टू और मोर, एक बात याद रखें, रैंक कोरिलेशन सिर्फ दो का ही होता है, रैंक कोरिलेशन सिर्फ दो का होता है, दो से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसकी तो पहली बात ही गलत है। जी मेरे भाई तो पहली बात ही गलत लिखी हुई है। फिर आगे देखते हैं, वो कहता है इट अप्लाइज ओनली व्हेन नो टाइज एग्जिस्ट, गलत बात लिखी हुई है, ये तो टाइड रैंक भी होता है, ये दोनों बातें गलत लिखी हुई है रैंक कोरिलेशन की, तो ए एंड बी बोथ इसका आंसर है, ए एंड बी बोथ। वो कहता है कि ये दो से ज्यादा रैंक हो सकते हैं, रैंक कोरिलेशन सिर्फ दो के लिए होता है। फिर ये कहता है कि ये अप्लाई होता है जब टाइज ना हो, ऐसी बात नहीं है, टाइड रैंक भी फाइंड होता है और हमने किया भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं अ रिग्रेशन इक्वेशन y = a + bx इज यूज्ड टू फॉरकास्ट द वैल्यू ऑफ y, बिल्कुल ठीक है, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ x। कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रिलायबिलिटी फॉर द फॉरकास्ट। कहते हैं कौन सी चीज है जो रिलायबिलिटी बढ़ाती है। सबसे पहली बात कहते हैं अ कोरिलेशन कोफिशिएंट न्यूमेरिकली क्लोज टू वन, वो कहते हैं अ कोरिलेशन कोफिशिएंट न्यूमेरिकली क्लोज टू वन। कहता है जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है अगर वो वन से ज्यादा करीब है तो इसका मतलब है वो रिलायबिलिटी बढ़ा रही है, ये बात ठीक नहीं है। कोरिलेशन कोफिशिएंट तो स्ट्रेंथ बताता है, रिलायबिलिटी नहीं बताता। क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। दूसरी बात यूज द लार्ज सैंपल, ये बात बिल्कुल ठीक है, सैंपल जितना ज्यादा लेंगे रिलायबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और ऊपर याद रखें उसने रिग्रेशन इक्वेशन का पूछा है तो नीचे रिग्रेशन का आंसर देना है, कोरिलेशन का आंसर नहीं देना हमने। फिर वो कहता है फॉरकास्ट फॉर वैल्यू ऑफ एक्स आउटसाइड द रेंज, ये बात तो हमने भी पढ़ी है, गलत बात है। आउटसाइड द रेंज हो तो लेस रिलायबल होता है, विद इन दी रेंज हो, एक्स की रेंज के अंदर हो तो ज्यादा रिलायबल आंसर होता है, और रेंज के बाहर हो तो कम रिलायबल आंसर होता है। तो इसका आंसर है बी, सेकंड आंसर इसका बेस्ट है। और ये हमें भी पता है कि जब सैंपल साइज बढ़ाओगे तो रिलायबिलिटी ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 39 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इस तरह का सवाल पेपर में आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 39, अब जरा गौर फरमाए, बड़ा क्वेश्चन आसान है ये। कहते हैं जनाब कार के वेट
और रिलायबिलिटी में जो कोरिलेशन है वो -0.4 है। इसका मतलब भला क्या है? कार का वेट ज्यादा होगा, रिलायबिलिटी कम होगी। कार का वेट कम होगा, रिलायबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन आंसर -4 है, -0.4। फिर वो कहता है कार के वेट और उसके मेंटेनेंस खर्चे पे 0.7 आंसर है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब ज्यादा वेट वाली कार, ज्यादा मेंटेनेंस का खर्चा। लेकिन इन दोनों में अगर आपको पूछे कि स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप किस में ज्यादा है, वो है 0.7 में। क्योंकि जितना आंसर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव है तो +1 के जितना ज्यादा करीब होगा वो ज्यादा क्लोज रिलेशन होंगे, और जितना -1 का माइनस वाला आंसर -1 के करीब होगा वो उतना ज्यादा क्लोज रिलेशन में आते हैं। ओके होगी बात। तो जनाब इसके अंदर अब वो कहता है हैवियर कार लेस रिलायबल, बिल्कुल सही बात की है, हैवियर कार लेस रिलायबल, क्योंकि जितना कार का ज्यादा वेट होगा उतनी रिलायबिलिटी कम होगी, क्योंकि कोरिलेशन नेगेटिव है। फिर वो कहता हैवियर कार टेंड्स टू कॉस्ट मोर मेंटेनेंस, ये बात भी ठीक है कि इसके दरमियान में पॉजिटिव कोरिलेशन है, जितनी हैवी कार होगी उतना मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा होगा। तीसरी बात वो कहता है कार का जो वेट का रिलेशन है रिलायबिलिटी के साथ, वो कहता है वेट इज रिलेटेड मोर स्ट्रॉन्गली रिलायबिलिटी देन टू मेंटेनेंस कॉस्ट। कहता है ये गलत है, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट का आंसर 0.7 है और उसका -0.4 है, तो 7.1 के ज्यादा करीब है, और अगर वो माइनस वाला भी -1 के जितना ज्यादा करीब होता तो वो रिलायबिलिटी बढ़ जाती। तो जनाब वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन किसका है 0.0, ये बात गलत है। तो पहली दोनों बातें ठीक है, तो आंसर है ए एंड बी बोथ, डन। अगला सवाल तो बिल्कुल आसान सा है, व्हाट विल बी द कोरिलेशन कोफिशिएंट, समीशन एक्स, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर, समीशन एक्स वाई, और एन आपको गिवन है, आप ये आंसर खुद फाइंड कर लोगे, ये आपका हो जाएगा, कोरिलेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है आपको आउटपुट ये एक्स है और ये वाई है, कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है, कैलकुलेटर में पुट करके ये फाइंड कर लेंगे। सिर्फ उसने कहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, तो आपने ये खुद कर लेना है, कैलकुलेटर में पुट करके जो ए की वैल्यू आएगी वो भी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है वेट और सैलरी के अंदर क्या कोरिलेशन है, नल कोरिलेशन। वेट और सैलरी के अंदर क्या कोरिलेशन है, तो नल कोरिलेशन। वेट और सैलरी के अंदर क्या कोरिलेशन है, तो क्या होगा, नल कोरिलेशन, डन होगी बात। क्वेश्चन नंबर 43 जी जनाब सिर्फ मजीद 2 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह गए हैं, ठीक है। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ब्रेक जरूर दूंगा, ठीक है, ताकि आप थोड़े फ्रेश हो जाओ। लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू +0.9 है एंड 0.1 इंडिकेटर, पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशन, हाई कोरिलेशन। तो जनाब जो +1 है वो पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन है, और जो 0.9 है वो है हाई कोरिलेशन। जो +1 है वो पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन है, और जो 0.9 है वो हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसके अंदर उसने हाई कोरिलेशन लिखा हुआ है, इसलिए ये आंसर हम नहीं लिखेंगे। हाई कोरिलेशन उसने लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखना जरूरी है, पॉजिटिव साथ लिखना जरूरी है। तो आंसर अगर यही आंसर है तो सिर्फ ए है। हाँ, सी के साथ लिखा होता ना हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर सी के साथ लिखा होता हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, फिर ए एंड सी बोथ आंसर आना था। ये बात मेरी समझ गया हो ना, पॉजिटिव साथ लिखना जरूरी है, क्योंकि हाई कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके होगी बात।
क्लियर होगी बात? चलिए जी, अगला क्वेश्चन 44। अच्छा क्वेश्चन है, 44 और 46 क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसलिए मैं 46 की जगह एक और क्वेश्चन करवाऊंगा जो इस जैसा है। ये एज इट इज क्वेश्चन, वो आपने अलग से नोट करना है। और क्वेश्चन ओवरऑल अगर आप देखें तो सिर्फ ये तीन क्वेश्चन है रह गए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बाकी क्वेश्चन एज इट इज सिंपल से है। सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 44, एक क्वेश्चन नंबर 47 और एक क्वेश्चन मैं आपको खुद करवाने लगा। तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको करने होंगे मेरे साथ, बाकी हो जाएंगे, बाकी सवाल सिर्फ पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन होते जाएंगे। और ये 50 क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहे हैं, इसके बाद हमारी ब्रेक होनी है। N20 है, समीशन X650 है, समीशन Y450 है, समीशन XY900 है, समीशन X2 और समीशन Y2 आपको गिवन है। कहते हैं रॉन्ग वैल्यूज X की 27 और Y की 19, ट्रू वैल्यूज X की 53 और Y की 27। ये सवाल हमने किया हुआ है वैसे, और यही क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर भी यही रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, सिर्फ करेक्ट और रॉन्ग वैल्यू चेंज है, बाकी वो कहता है करेक्ट कोरिलेशन फाइंड करें। मैं आपको वैल्यूज ठीक करवा देता हूं, फिर आप फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आर का। ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, और एक सवाल और है वो मैं आपको खुद से करवाता हूं। जी मेरे भाई, क्वेश्चन लिख ले, करेक्ट वैल्यूज हैं और रॉन्ग वैल्यूज पहले लिख लें। 2753 रॉन्ग वैल्यूज, 2753 की रॉन्ग वैल्यूज हैं 2753, 2753 और वाई की वैल्यूज हैं जनाब 1927, 1927। ठीक हो गया जनाब। अब आपने क्या करना है, सारे सम ठीक करने हैं। ये हमने सेंट्रल टेंडेंसी में भी इस तरह का सवाल किया हुआ है, सारे आपने सम ठीक करने। सबसे पहले मैं कहता हूं समीशन एक्स कैसे ठीक करना है। सबसे पहले समीशन एक्स हमारे पास गिवन क्या है, समीशन एक्स 650 के अंदर जो गलत वैल्यूज हैं वो माइनस कर दो, जो सही वैल्यूज हैं वो ऐड कर दो। जो गलत वैल्यूज हैं वो माइनस कर दो, जो सही वैल्यूज हैं वो ऐड कर दो, तो आपके पास करेक्ट समीशन एक्स आ जाएगा। बात समझ लगी? गलत वैल्यूज माइनस, सही वैल्यू ऐड। फिर जरा समीशन एक्स स्क्वायर को देखना कैसे ठीक करना है, ये बड़ा ध्यान से सवाल सीखने वाला है। समीशन एक्स स्क्वायर को ठीक करने का क्या तरीका है, समीशन एक्स स्क्वायर हमें गिवन है जनाब 1200, समीशन एक्स स्क्वायर हमें गिवन है 1200। जो गलत वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर लेकर माइनस करेंगे और जो सही वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर लेकर ऐड करेंगे। जो गलत वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर लेकर माइनस करेंगे और जो सही वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर लेकर ऐड करेंगे। करो जरा, जो गलत वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर लेकर माइनस कर दो और जो सही वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर लेकर ऐड कर दो। डबल वन एट वन, डबल वन एट। अब आ जाए समीशन वाई को ठीक करते हैं, सेम तरीका। समीशन वाई मेरे पास है 450, समीशन वाई कितना है
450। गलत समीशन y की वैल्यू माइनस और सही y की वैल्यू ऐड। गलत y की वैल्यू माइनस, सही y की वैल्यू ऐड, तो ये मेरे पास आ जाएगा 449। गलत माइनस और सही ऐड। अब सेम एज इट इज समीशन y स्क्वायर को ठीक करने का क्या तरीका होगा? समीशन y स्क्वायर को ठीक करते हैं, समीशन y स्क्वायर मेरे पास है 1150। 1150 में से माइनस वन का स्क्वायर, माइनस नाइन का स्क्वायर, गलत स्क्वायर माइनस और सही स्क्वायर ऐड। गलत स्क्वायर माइनस 1121। ओके, अब इंपोर्टेंट आ गया एक्स वाई को कैसे ठीक करना। इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्स वाई को कैसे ठीक करना है। ओके, एक्स वाई का सम मेरे पास है कितना? समीशन एक्स वाई का सम है 900 माइनस, जो गलत एक्स और वाई है वो मल्टीप्लाई करके माइनस, पहली वैल्यू पहली के साथ, दूसरी वैल्यू दूसरी के साथ, सेम क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू जो है, तो सही को मल्टीप्लाई करके ऐड। तो 2 और 1 एक्स वाई, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस, माइनस कर देंगे 7 और 9, ये हो गया गलत एक्स वाई, पहले एक्स को पहले वाई के साथ, दूसरे एक्स को दूसरे वाई के साथ, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके, प्लस 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके। लो जनाब, ये हमारे पास आ गया करेक्ट समीशन एक्स वाई, करेक्ट समीशन। इसका सही सम बता दे मुझे। जी जनाब, 8 double 6 8 double 3 या डबल सिक्स? डबल सिक्स 8 double 6। बाकी भी कंफर्म लाजमी करना कि वाकई यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। 8 double 6 8 double 6, क्योंकि 900 है, माइनस 2 किया, माइनस 63 किया, प्लस 10 किया और प्लस 21 किया, 8 double 6। अब आपके पास सारी चीजें ठीक आ गई हैं, इसको कोरिलेशन के फार्मूले में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आर का फार्मूला आपको पता है क्या है? n summation x y minus summation x into summation y over n summation x square minus summation x whole का square, फिर n summation y square minus summation y whole का square under it। ये जो correct सारा data आया है, n change नहीं होता क्योंकि n तो वही है, जितनी value plus कर रहे उतनी value ही minus कर रहे, n आपका चेंज नहीं होगा, n आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जी जनाब, डन हो गया? अगर आपका आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो इसी को बात, अब तो पुट करनी है चीजें। अगले सवाल पे चलते हैं। जी मेरे भाई, चलें आगे। यह भी यही सवाल हो रहा है,
हो गया या अभी चल रहा है काम? अच्छा हो गया सर, कोई नहीं आंसर होगा। मेरा सिंटैक्स एरर क्यों आ रहा है? आंसर नहीं आ रहा, थोड़ा सिंपलीफाई करके पुट किया करोगे ना तो कैलकुलेटर में आंसर फिर ज्यादा रिलायबल भी आते हैं और जल्दी भी आता है। सर आप आगे करें, ये आंसर नहीं आ रहा, हम बाद में कर लेंगे। आपको आंसर नहीं आ रहा? वो सिंपलीफाई करना पड़ेगा सर। 0.1803 आया मेरा। 0.1803 चले, आंसर तरीकाकार आपको आ गया, तरीकाकार यही है। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा अगले सवाल जाने से पहले ना, अगले सवाल जाने से पहले, क्योंकि 45 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उसको करवाने से पहले मैं इसका मामला खत्म करता हूं, ताकि अगर आइंदा क्वेश्चन आए भी सही, हो सकता है ये क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट में ना हो और आपको परेशान करे। तरीकाकार देख लें, मैं कहता हूं एन मेरे पास है 20, समीशन एक्स मेरे पास है 500, समीशन वाई मेरे पास है 400, समीशन एक्स वाई मेरे पास है सपोज दैट 700, और समीशन एक्स स्क्वायर है सपोज दैट हम कर लेते हैं 3200, समीशन वाई स्क्वायर है सपोज दैट 1900। कहते हैं टू वैल्यूज ऑफ एक्स आर रॉन्ग। कौन सी वैल्यूज रॉन्ग है जनाब? 5 और सपोज दैट 3। करेक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन लिख लो, हो सकता है ये असाइनमेंट में ना हो। करेक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स आर 5 की जगह सपोज दैट हम कर देते हैं 7 और 3 की जगह सपोज दैट कर देते हैं 2। ये करेक्ट वैल्यूज आ गई। कहता है करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई आर 4 एंड सिक्स। ये सवाल है, फाइंड करेक्ट कोरिलेशन, फाइंड करेक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट या कोरिलेशन एक ही बात है। सवाल किसी को समझ लगा? इसके अंदर सिर्फ एक्स की वैल्यूज गलत हैं, वाई बिल्कुल ठीक है, और जो करस्पॉन्डिंग ऑफ वैल्यू ऑफ वाई गिवन है वो एक्स वाई को ठीक करने के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपने वाई को ठीक नहीं करना, क्योंकि वाई गलत है ही नहीं। पेपर में ये सवाल भी आ जाता है, या वो सिर्फ एक्स को गलत कह सकता है या सिर्फ वाई को गलत कह सकता है। तो अक्सर हम परेशान हो जाते हैं कि सर ने तो सिखाया था कि एक्स वाई दोनों गलत होंगे तो क्या करें। इस क्वेश्चन के अंदर, पूरे क्वेश्चन के अंदर देखें, किसी जगह उसने ये नहीं कहा कि रॉन्ग वैल्यूज ऑफ एक्स ये है, वाई वाई की रॉन्ग और करेक्ट वैल्यूज नहीं बताई गई, बल्कि करस्पॉन्डिंग वैल्यूज बताई गई। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज बताने का मकसद कि जो एक्स वाई के साथ गलत मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई गलत हुआ, एक्स वाई को ठीक करने के लिए ये वाई की वैल्यू बताई गई है, एक्स वाई को ठीक करने। तो इसमें मैं सही करने का तरीका सिखा देता हूं, बाकी फार्मूले में पुट करना आपको आता है। तो मेरे भाई आ जाए जरा, इसमें हमने सिर्फ समीशन एक्स ठीक करना है, समीशन एक्स स्क्वायर ठीक करना है और समीशन एक्स वाई ठीक करना है, क्योंकि इसके अंदर वाई में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो समीशन एक्स को कैसे ठीक करेंगे? समीशन एक्स को ठीक कर लेते हैं जी जनाब। समीशन एक्स इज इक्वल टू, वो हमारे पास है 500, गलत वैल्यू को माइनस सही वैल्यू को ऐड,
गलत वैल्यू को माइनस और सही वैल्यू को ऐड, गलत वैल्यू को माइनस कर दिया सही वैल्यू को ऐड कर दिया गया, ये आ गया हमारे पास 501। फिर समीशन एक्स स्क्वायर ठीक करते हैं, फिर समीशन एक्स स्क्वायर जी, समीशन एक्स स्क्वायर है 3200, गलत वैल्यू का स्क्वायर लेकर माइनस सही वैल्यू का स्क्वायर लेकर ऐड, बता दें काइंडली, गलत वैल्यू का स्क्वायर लेकर माइनस, 5 का स्क्वायर भी माइनस 3219। अब y को ठीक नहीं करना क्योंकि y गलत है ही नहीं, समीशन एक्स वाई को ठीक करना है। समीशन एक्स वाई को ठीक करने का क्या तरीका है, कितने वैल्यू गिवन है 700, एक्स वाई कितना है जी जनाब 700 ही है। अब हम क्या करेंगे, जो x की गलत वैल्यूज हैं उसको y के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस, सॉरी x की, और जो सही वैल्यूज हैं उनको इसी y की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस, एक्स वाई ठीक हो जाएगा। सही वैल्यू को मल्टीप्लाई करके प्लस और गलत वैल्यू को मल्टीप्लाई करके माइनस, लो जनाब आपका एक्स वाई ठीक हो जाएगा। 700 में से 20 भी माइनस कर दो और 18 भी माइनस कर दो और प्लस कर दो 28 और प्लस कर दो 12 702। लो मेरे भाई एक्स वाई समीशन वाई समीशन वाई स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, ये समीशन एक्स भी ठीक हो गया, समीशन एक्स स्क्वायर भी ठीक हो गया और समीशन एक्स वाई भी ठीक हो गया। तो कभी कभी पेपर में ये सवाल भी आता जाता रहता है, ये सवाल भी पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो एक तो दोनों वैल्यूज गलत सही वाला भी हमने सवाल कर लिया, और किसी एक वेरिएबल को गलत कर दे तो सिर्फ उसको ठीक करेंगे और उसका एक्स वाई भी ठीक करेंगे। उम्मीद है ये आपको सवाल समझ लग गया होगा। अब लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप जितनी दफा मर्जी लिखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें रिक्वायरमेंट मिसिंग है वो लिख लो, फिट फाइंड ये लिख लो, रेग्रेशन लाइन y ऑन x, इसमें रेग्रेशन लाइन y ऑन x पुट करनी है। और ये अच्छा सवाल है, हो सकता है आप में से किसी को अभी भी ना आता हो, y is equal to formula a plus bx, ठीक है, मेरे पास b का formula है, summation x minus x bar y minus y bar over summation x minus x bar का square, ये मेरे पास एक formula है, summation x minus x bar y minus y bar over summation x minus x bar का square, राइट और इसके अंदर हमें इस तरह से तो नहीं गिवन, लेकिन ये अगर याद रखो, ये जो क्वेश्चन ये गिवन है ना 469, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है समीशन x माइनस x बार y माइनस y बार, ये डबल समीशन नहीं है, ये समीशन कार्ड के दरमियान में से, ये समीशन x माइनस 90 y माइनस 127 लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है समीशन x माइनस x बार y माइनस y बार, और इंतहाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, हो सकता है वो y और x लोड लाइन पुट करवा दे, हो सकता है x पर y, लेकिन ये बहुत जगह पर आपको अभी भी कंफ्यूज करेगा जी जनाब। तो 469 डिवाइडेड बाय समीशन x माइनस x बार का स्क्वायर है 301, जो लिखा हुआ है x माइनस 90 का स्क्वायर, एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है समीशन x माइनस x बार का स्क्वायर, तो ये है 301 जी जनाब 301, तो मेरा b आ गया 469 डिवाइडेड बाय 301 1.558। अब मुझे कोई ना a की वैल्यू कौन बताएगा,
ए की वैल्यू कोई माई का लाल पीला नीला बता सकता है तो बताए, ए की वैल्यू कौन बताएगा? जी मेरे भाई, ए की वैल्यू कौन बताएगा? सर सवाल दिखाएं, ए की वैल्यू बताते हैं। y बार माइनस बी एक्स बार, तो वैल्यू बताना है मुझे, ए की वैल्यू चाहिए, कौन बता सकता है? ए की वैल्यू फाइंड करके दे। सर दिया हुआ तो है ना इधर 127। सर बी की वैल्यू क्या है, बी का जवाब क्या है? तू कर नहीं रहा था साथ? नहीं सर, कोई हाल नहीं तेरा यार, तो पेपर मेरा नहीं है आपका है, और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कर रहा हूं, मैंने कहा भी इतने इंपॉर्टेंट है ये। सर वो मैं सवाल नोट कर रहा था ना, आपको पास सवाल मिसिंग था, बिल्कुल लिखा नहीं हमारे पास सर। 13.22 को बात समय लगी ना, जो x में से माइनस किया हुआ था वो x बार है, जो y में से माइनस किया हुआ है वो y बार है, जो x में माइनस किया हुआ है वो x बार है, जो y में से माइनस किया हुआ है वो y बार है। तो आंसर कितना आ रहा है? -13.22 लो मेरे भाई, मेरा आंसर आ गया y इज इक्वल टू -13.22 +1.558x, ये मेरी रिग्रेशन लाइन। और इसमें परेशानी पहले क्या बच्चों को हुई कि जो उसने x बार और y बार की जगह वैल्यू लिख दी, और उन लोगों ने सिर्फ अकल वालों के लिए थोड़ा सा परेशान किया है कि कौन बंदा है जिसको पता है कि ये वैल्यू x बार और y बार की गिवन है, राइट? अगला सवाल 47 भी अच्छा सवाल है, और इसके बाद सिर्फ दौड़ है हमारी, अगर आप ब्रेक ना लो तो 20 मिनट बाद क्लास वैसे खत्म हो जाएगी, ब्रेक लोगे तो कोई इशू नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन मैं करवाने के बाद ब्रेक होगी, अगर ब्रेक लेनी है तो। एक ही बार क्या कह रहे हो, वैसे खत्म करवा दें सर, ब्रेक देनी है, हमारी क्लास खत्म हो जाएगी अगर ब्रेक ना लोगे। 47 क्वेश्चन, 47 ये सवाल करवाया हुआ है, समीशन x माइनस x बार y माइनस y बार 961 r 0.591 sx sy गिवन है, फाइंड n। ये मैं यहां पर ही करवा देता हूं, जरा गौर फरमाओ, हमारे पास r का फार्मूला है sxy ओवर x sy, याद आया ये फार्मूला? सवाल भी याद आ गया या सिर्फ फार्मूला याद है? अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एस एक्स वाई नहीं गिवन, लेकिन हमें पता है कि एक्स एक्स वाई बराबर है समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर एन, राइट? तो एस एक्स वाई हमारे पास आ गया 961 ओवर एन। लो मेरे भाई, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, एस एक्स वाई भी हमारे पास आ गया 961 ओवर n। तो मैं यहां ऊपर थोड़ा पुट कर रहा हूं ताकि क्लियर वैल्यू है, r की जगह मैं पुट कर रहा हूं 0.591, sxy की जगह मैं पुट कर रहा हूं 961 ओवर n ओवर sx sy की जगह वैल्यू गिवन है 11.45 इनटू 12.64। लो जनाब आंसर आ गया मेरा, कैलकुलेटर आगे तो कैलकुलेटर का कमाल है, इसको सिंपलीफाई कर देंगे 11.59 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11.45 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 12.64 से, 11.23 आ गया सर आंसर, 961 को डिवाइड कर दिया आंसर पे तो 11.23 जो भी आंसर आ रहा है, r इज इक्वल टू, सॉरी n इज इक्वल टू
11 होगा या 12 होगा, जो भी आपका आंसर होगा वो आंसर आ जाएगा। ये सवाल हमने क्लास में भी किया हुआ है, इसीलिए इतना ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है, कोरिलेशन बिटवीन एज एंड इनकम, नल कोरिलेशन। कोरिलेशन बिटवीन एज एंड इनकम, नल कोरिलेशन। कहते हैं रिग्रेशन लाइन के अंदर फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है, या टोटल कॉस्ट होती है, तीनों ही होती है, ऑल ऑफ द अबव। ए को फिक्स कॉस्ट कहते हैं, बी को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कहते हैं, और जो वाई नजर आ रहा होता है वो टोटल कॉस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 50। हां जी, अब ये सवाल भागने वाले सवाल हैं, क्योंकि अब क्योंकि टोटल ये 100 के राउंड अबाउट सवाल है, लेकिन ये पहले मेन 50 क्वेश्चन है, आगे रिपीटेड है। कहते हैं इफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25, कहते हैं इसका मतलब क्या है। कहते हैं 75% वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ वाई इज एक्सप्लेन्ड। गलत, 75% तो इसमें अनएक्सप्लेन्ड है, 75% इसमें अनएक्सप्लेन्ड है। कहते हैं 50% का तो कोई चक्कर ही नहीं है। फिर कहते हैं 25% वेरिएशन एक्सप्लेन्ड, ये आंसर ठीक है इसका, और 25% 0.25% ये भी गलत है, क्योंकि 25% है, आर स्क्वायर 0.25 है, इसका मतलब है ये 25% वैल्यू है। क्लियर होगी बात, इसका सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, लो जनाब, कहता है समीशन एक्स आपको गिवन है, समीशन ये वाई है, ये जो 613 है ना समीशन वाई, फिर समीशन एक्स वाई भी गिवन है, समीशन एक्स स्क्वायर भी गिवन और एन भी गिवन है। कहते हैं देन द पॉइंट वेयर द रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट, आपको पता है इसको सिर्फ एन पे डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, समीशन एक्स बार और वाई बार फाइंड करेंगे। तो 17.3 ये समीशन वाई है, 17.3 और 61.3 हमारा आंसर है, 17.3 और 61.3 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, ये सवाल आप देख लें, ये सवाल आपने खुद कर लेना है, क्योंकि ये सवाल हमने पहले किया हुआ है। कहता है पुलिस सी टोन मोर एफिशिएंट है बी से, डी मोर एफिशिएंट है जी से, के मोर एफिशिएंट है, हमने सब की फाइंड कर लेना है और देख लेना है कौन सी पुलिस किससे ज्यादा एफिशिएंट है। ये सवाल हमने किया हुआ है, इसलिए ये आपने खुद कर लेना है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 में समीशन एक्स समीशन वाई समीशन एक्स वाई समीशन एक्स स्क्वायर और एन, कहते हैं रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स बताएं, ये भी सिर्फ फार्मूला पुट करोगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड करके आंसर लगा देंगे, ये सवाल आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 54, कहते हैं कोवेरियंस एक्स वाई, मतलब ये समीशन एक्स वाई गिवन है, फिर वो कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, मतलब एस एक्स 16 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मतलब 7, कहते हैं आर फाइंड करो, आर का फॉर्मूला होता है एस एक्स वाई ओवर एस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एस वाई। लो जनाब, 62 को डिवाइड कर दो, 62 डिवाइडेड बाय 16 को मल्टीप्लाई करके और 7 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, तो 0.5536, ये तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बराबर होता है एस एक्स वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एस एक्स होता है, वेरियंस होता तो स्क्वायर लिखते हैं, स्टैंडर्डेशन तो स्क्वायर के बगैर लिखते होते हैं, लेकिन जो कोवेरियंस है वो होता ही एस एक्स वाई है, ये कभी स्क्वायर में नहीं होता, और ना ही ये को स्टैंडर्ड डेविएशन कोई वर्ड है, ना कोई को स्टैंडर्ड डेविएशन वर्ड है, एस एक्स वाई एक्चुअल में कोवेरियंस है, राइट। अगला सवाल कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कहता है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, द कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट, गलत, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर है, फिर द कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये बात ठीक है फिलहाल, फिर वो कहता है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, गलत, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्सप्लेन्ड,
ये जो एक्सप्लेन और अनएक्सप्लेन है ना, ये काम करता है कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ना के कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसका आंसर ये है। ओके होगी बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ये सवाल भी हमने किया हुआ है। कहते विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्कैटर डायग्राम। कहते स्कैटर डायग्राम की कौन सी बात ठीक है, स्कैटर डायग्राम की कौन सी बात ठीक है। पहली बात, इट मे इंडिकेट अ रिलेशनशिप वेयर देयर इज नो रिलेशन। बिल्कुल ठीक है, ये बात करेक्ट है, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये रिलेशन बता देता है जहां कोई रिलेशन ना भी हो। इट कैन शो रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल। ये बात गलत है, ये सिर्फ दो वेरिएबल का रिलेशन बताता है। कहते हैं इट लीड्स टू करेक्ट कंक्लूजन इवन देयर इज ओनली फ्यू इंफॉर्मेशन। ये भी गलत है, हमने पढ़ा था कि अगर फ्यू इंफॉर्मेशन हो तो ये रॉन्ग रिलेशन बता देता है। और इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट बिफोर पॉइंटिंग। ये भी गलत बात है। तो पहली बात इसकी ठीक लिखी हुई है कि ये रिलेशन बता देता है इवन के रिलेशन ना भी हो। पहली बात इसकी ठीक है। जिसने क्लास ली है उसके लिए तो ये हलवा है, और जिसके लिए नहीं है तो उसके लिए पता नहीं फिर क्या है। अगला सवाल, इफ द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू 16.1 x, एवरी यूनिट इंक्रीज इन x, y वुड बी डिक्रीज बाय 1.5। ये सवाल हमने पहले किया हुआ। आर जीरो है तो नो कोरिलेशन, आर अगर जीरो है तो कोई कोरिलेशन नहीं है। अगला सवाल कहता है कि अगर वेरिएशन, जरा गौर फरमाए, वेरिएशन होता है आर स्क्वायर, और जब भी परसेंटेज में गिवन होता है वो होता है आर स्क्वायर है। कहता है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट हो सकता है इधर 0.5 या -0.5, क्योंकि इसका अंडर रूट ले लेंगे ना, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 0.25 का अंडर रूट लो जरा, 0.25 का अगर अंडर रूट लोगे तो 0.5 आता है। तो वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। हाँ, अगर वो क्वेश्चन के अंदर हमें ये कह देता कि रिग्रेशन के कोफिशिएंट वो दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम अपना आंसर उस हिसाब से देते, राइट। ये सवाल सबको समय लग गया है ना, अंडर रूट लेंगे, ये आर स्क्वायर गिवन है। अक्सर स्टूडेंट इसका डी आंसर देते हैं। ये सवाल वही है, रिपीट ये क्या हुआ, क्या कह रहे हो? गोली मार दूंगा, आर स्क्वायर गिवन है 0.25, तो आर फाइंड करने के लिए अंडर रूट लेंगे ना, तो वन में से माइनस कौन करेगा, वो तो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन और अनएक्सप्लेन्ड। ऐसी खतरनाक बातें कर रहे हो यार, पेपर के नजदीक नजदीक, दिल घबराने वाली। वन में से माइनस क्यों करेंगे, ये किस कब आपने सीखा यार, वो तो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेसिव और फेलियर। हाँ जी वही वही, जो येट्स करेक्शन फैक्टर है वो बस कॉन्टिजेंसी टेबल 2/2 हो तभी होता है ना अप्लाई। जी बिल्कुल, उसमें के बारे में मैंने तीन बातें बताई, इसके अलावा नहीं होता है ना। तीन बातें बताई थी, एक तो लगता है काई स्क्वायर में है जब 2/2 का कॉन्टिजेंसी टेबल हो और हमेशा 0.5 से रिड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन है ये, रिपीट क्वेश्चन है। फिर बात आ गई स्कैटर डायग्राम के बारे में। स्कैटर डायग्राम के वो कहता है इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश विच वेरिएबल इंडिपेंडेंट बिफोर प्लॉटिंग। कहता है गलत बात, बिल्कुल जरूरी है कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, ये गलत बात उसने लिख दी। एक मिनट मैं यार कॉल ले लूं अगले। जी जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्कैटर डायग्राम। तो पहली बात तो गलत है, क्योंकि जरूरी है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रखने के बाद ही पता चलेगा प्लॉटिंग का। कहते इट लीड्स टू करेक्ट कंक्लूजन
फ्यू इंफॉर्मेशन, ये भी गलत बात है, अभी ये सवाल करके आ रहे हैं। कहता है ये रिलेशन दो से ज्यादा वेरिएबल का भी बता सकता है, गलत, ये सिर्फ दो का बताता है, और कहता है कि ये रिलेशन बता देता है, अगर रिलेशन ना भी हो तो ये सही बात है। ये मैंने इसकी तीन चार प्रॉपर्टीज लिखवाई थी स्कैटर डायग्राम की, उसी में से ही पेपर आना है, उसके बाहर नहीं आना। क्वेश्चन नंबर 63 कहते हैं मेडिकल रिसर्चर ने रिग्रेशन लाइन फिट की है, ये वाली 6.63 प्लस 0.038 कहता है रिप्रेजेंट, एक्स रिप्रेजेंट हाइट इन सेंटीमीटर, वाई वेट इन किलोग्राम। कहता है कौन सी इक्वेशन ठीक है, कहता है ईच सेंटीमीटर इंक्रीज इन हाइट वेट विल बी डिक्रीज, गलत, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो अगर या दोनों इंक्रीज होंगे या दोनों डिक्रीज होंगे। अगला सवाल कहता है ईच सेंटीमीटर इंक्रीज इन हाइट वेट विल बी इंक्रीज इन 0.38, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर वो कहता है और है भी 0.38, और ये तो गलत है ना, क्योंकि 0.655 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट होता है वही इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जो a का आंसर होता है वो नहीं है, तो इसका आंसर b है। इतना बड़ा सवाल बनाया है और सवाल के पहले कुछ भी नहीं था। कहता है व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कहता कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। कहता इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल द पॉइंट्स ऑन द स्कैटर डायग्राम वुड बी कंसंट्रेटेड अराउंड अ कर्व, कंसंट्रेटेड अराउंड अ कर्व, ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन में वो कर्व के बिल्कुल नजदीक नजदीक पॉइंट होते हैं। हमने याद पढ़ा होगा था स्ट्रॉन्ग रिलेशन, तो अगर वैल्यू लाइन के बिल्कुल यानी पॉइंट्स प्लॉटेड बिल्कुल लाइन के ऊपर हैं, करीब करीब हैं, तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, ये बात ठीक है। अगली बात कहता है लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द लीनियर कॉस्ट इक्वेशन, ये बात भी ठीक है कि हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, और ये कॉस्ट इक्वेशन भी होती है। कहता है इसमें जो लाइन है वो ये है, ये गलत है, क्योंकि लाइन है y इज इक्वल टू a प्लस bx, ना कि a माइनस bx, तो आंसर हो गया हमारा a एंड b बोथ। ये सवाल ना ऐसे ही छोटे छोटे सवाल होते हैं एक एक नंबर के और इंटरेस्टिंग होते हैं। अगली लाइन वो कहता है कि जनाब बेस्ट फिट लाइन बताएं, मतलब y इज इक्वल टू a प्लस bx ही फाइंड करनी है आपने, ये रिग्रेशन लाइन आप खुद फिट कर लोगे। अगला सवाल फिर वही आ गया जो अभी मेरे भाई ने बताया था, वन में से माइनस करने वाला, जो कि हरगिज ऐसा नहीं था। If the value of coefficient of determination is 0.64, it means that 20% का तो चक्कर ही नहीं है ना, 20% इसमें कुछ भी नहीं है। 36% explained, गलत, 64% explained है, 36% unexplained है, right? अगला सवाल है rank correlation बताना है जनाब, ये सवाल आप खुद कर लोगे। Rank given है, इसको direct calculator में put कर दो, correlation आ जाएगा। रैंक वन और रैंक टू, इसके आपने खुद रैंक नहीं बनाने, ये रैंक बने हुए हैं, सिर्फ कैलकुलेटर में पुट करेंगे या सिंपल डी स्क्वायर लेकर वो आपने खुद कर लेना, ये सवाल आपका हो जाएगा। ये 68 मैंने अभी अभी सवाल करवाया है, क्या कहता है जी, और corresponding value of y, ये सवाल मैंने अभी अभी करवाया है, तो ये है तो हो जाएगा आपका। ये सवाल अगर जिसने बाद में ये देखा 68, तो ये क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, कहता है correlation coefficient between two variable है 0.22, हाँ जी मेरे भाई, कहते हैं कि 0.2 है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन
एक बात याद रखें, जो वेरिएशन ऑफ प्रोपोर्शन होता है ये कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है और बतानी भी अनएक्सप्लेन्ड है। कौन बताएगा? आर मेरे पास है 0.22 95.16 0.22। तो मेरे भाई आर स्क्वायर तो पहले बताओ, आर स्क्वायर कितना है? 0.04 0.0484 और ये होता है एक्सप्लेन्ड। और अनएक्सप्लेन्ड होगा 0.95 क्या होगा? 96.95% ये अनएक्सप्लेन्ड होगा। ये बात सबको समझ लग गई? ये देखें, कोरिलेशन दिया आर, आर होता है कोरिलेशन, आर स्क्वायर किया वो आया 4.84%, ये होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। और उसने पूछा है अनएक्सप्लेन्ड, तो अनएक्सप्लेन्ड होगा 1 में से या 100 में से माइनस कर दें। वेट और सैलरी के दरमियान क्या कोरिलेशन होता है? नल कोरिलेशन। वेट और अगला सवाल, उसने कहा है इसके अंदर कोरिलेशन फाइंड करें, ये आपने खुद कर लेना है कैलकुलेटर में पुट करके जो आंसर आएगा। अगला सवाल कहता है पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन 1, पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन 1 होता है। अगला सवाल, ये भी सवाल हमने किया हुआ है, उसी को ही उसने घुमा कर दिया हुआ है। जी जनाब, ये सवाल ना समझ के करने हैं मेरे भाई, ऐसे मेहनत ना जाया हो जाए, इतनी मेहनत करना का हमें कोई फल मिलना चाहिए। ये मैं यकीन से कह सकता हूँ, जिसने ये असाइनमेंट समझ के कर ली और लेक्चर समझ लिए वो कभी फेल नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि वो पेपर इंजॉय करेगा, ठीक है? और उसको पेपर आता भी होगा, वो सिर्फ तुक्के नहीं मारेगा, लेकिन समझ के करना जरूरी है। अगला सवाल ये हमने किया है, कहता है कार का वेट और रिलायबिलिटी 0.3 पॉजिटिव कोरिलेशन, और कार का वेट और मेंटेनेंस का भी पॉजिटिव कोरिलेशन, दोनों ही पॉजिटिव है, डन। और साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिर कौन सा इसमें? वेट का, कार का वेट और रिलायबिलिटी, जैसे इसमें कोई नेगेटिव भी होना चाहिए था। कहते हैं कंसीडर द अबव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कहते हैं हैवियर कार लेस रिलायबल, गलत, क्योंकि ये तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। कहते हैं हैवियर कार मोर कॉस्ट, ये बात ठीक है। कहते हैं कार का वेट का मोर स्ट्रॉन्ग रिलायबल देन मेंटेनेंस, कहते हैं कार वेट रिलेटेड मोर स्ट्रॉन्गली रिलायबिलिटी देन मेंटेनेंस, ये बात भी ठीक है, क्योंकि वो 0.3 है, वो 0.2 है, तो ये दोनों बातें ठीक हैं। तो हमारे पास कौन सी बात थी है? ठीक है, 1 और 3 यहां पर ये है 1 और 3, ये 1 3 का ले, हाँ ऊपर अगर नेगेटिव होगा तो फिर ये 1 2 3 सारे ठीक होंगे फिलहाल, सॉरी 2 और 3, 1 तो गलत है, 2 और 3 इस हिसाब से 2 और 3 सही है। हाँ हो सकता है, हाँ जी हाँ हो सकता है, अगर यहां पर माइनस का साइन हो तो फिर ये तीनों ठीक होते हैं 1 2 और 3, और मुझे लगता है पेपर में शायद ये माइनस का साइन होगा, मुझे लगता है अगर माइनस का साइन होगा तो फिर 1 2 3 ठीक है, और अगर माइनस का साइन नहीं है ऊपर तो फिर पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, और तीसरा भी ठीक है। हाँ ये है स्ट्रॉन्ग रिलेशन रिलायबिलिटी का, क्योंकि वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 2 से, बात समझ लग गई। क्वेश्चन नंबर 74, ये रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है, पहले रैंक बनाएंगे कैलकुलेटर में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, रैंक बनाएंगे कैलकुलेटर में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, ये आप लोग खुद कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 पे आए, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, डिक्रीज बाय 1.15। ये क्वेश्चन में नेगेटिव एक ही है, यही आंसर आ सकता है,
क्योंकि अगर दोनों बी नेगेटिव हूं तो आर हमारा नेगेटिव होता है, करेंगे नॉन ऑफ दी आंसर आएगा। इसका नॉन ऑफ दी है यस सर, इसका जवाब आता है -0.592 था पर माइनस में आना चाहिए ना, या प्लस में। अच्छा 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 फाइव ने बिल्कुल नॉन ऑफ दीज है, बिल्कुल सही कहा आपने, ग्रेट। इसका आंसर नॉन ऑफ दीज है, इसका आंसर नॉन ऑफ दीज है, क्योंकि नेगेटिव आंसर है तो नेगेटिव होता तो आंसर होता, वरना नहीं है। अगला सवाल है 77 और ये लास्ट सवाल है आपका। विच स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग रिग्रेशन इज करेक्ट, कहते हैं इफ देयर इज अ वीक रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल द पॉइंट ऑन द स्कैटर डायग्राम वुड बी कंसंट्रेटेड। गलत, अगर वीक रिलेशन हो तो ये कंसंट्रेटेड नहीं होते बल्कि डिस्पर्स होते हैं, अवे फ्रॉम लाइन होते हैं। इन अ लीनियर रिलेशन बोथ वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। बोथ आर वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट, ऐसा नहीं होता रिग्रेशन के अंदर, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। रिग्रेशन लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये नहीं है, वो है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये भी उसने गलत कह दिया, तो फिर ऑप्शन ही एक बच गई। कहते वन वेरिएबल इज कंसीडर टू बी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड अदर इज कंसीडर टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ठीक बनता है, राइट। लो जनाब, एक डिपेंडेंट है और दूसरा वो इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है। अब आप लोगों ने करना क्या है, परेशानी होना, अगर कोई इशू आता है तो आपने मुझसे रابطे में रहना है, ठीक है। एग्जाम के बाद अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में है तो वो मुझे लाजमी बताना है और मुझे लाजमी इन्फॉर्म करना है जैसे आपका एग्जाम हो गया कि कैसा हुआ एग्जाम, राइट। और परेशान बिल्कुल नहीं होना, पेपर जैसा भी आए हमने इंशाल्लाह कर लेना है और करके आना है, ठीक है जनाब। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा और मेरी दुआओं में आप सब लोग, ठीक है। तो कोई भी मसला हो तो इंशाल्लाह हम साथ साथ रहेंगे। लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड कर दें, रिकॉर्डिंग अभी सेंड कर दें, अगले वाले की सेंड कर देता हूं जैसे ही ये अपलोड होगी, ठीक है। कोडिंग है।